बड़े पुण्यदाय तिथि पंचतत्व से जो अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महामोस्तक तो ये जो अद्वैत आचार्य थे ये सिवन महाप्रभु की इस धराधाम में अवतीर्ण कराए, उनके हुंकार में ही कृष्णचंद्र महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किए। तो ऐसा क्या स्थिति था जिस कारण एक कृष्णचंद्र को एक अवतार पुनः लेना पड़ा, तो इसके कारण बताते हैं। अभी ठाकुर जी ने सोच रहे भक्ति योग का तो बड़ा वर्णन किया, मगर ये भक्ति कैसा होता है ये कभी आचरण करके दिखाया नहीं। सबसे बड़ी चीज होता है आचरण, अगर खुद आचरण नहीं करोगे तो दूसरे कोई सीखेंगे नहीं। तो इसलिए कहते कि अपना न कहले भक्ति सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत कह कि खुद अगर आचरण नहीं करोगे तो दूसरे को बोले भाई तुम करो ये करो करो, वो कभी नहीं करेगा। तो पहले क्या नहीं, पहला धर्म पहले तुम आचरण करो, उसके बाद फिर दूसरे कोई तुम्हारा धर्म। तो अभी महाप्रभु तथा कृष्णचंद्र तो बड़ा भक्ति का महिमा बताए कि भक्तिया मांग राज विद्या राजव्यम पवित्र चीज बताई गीता में, और खुद आचरण करके दिखा दे। तो इसलिए भगवान सोचे कि अगर मैं खुद भक्ति का आचरण नहीं करूंगा तो ये लोग कोई भक्ति सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या बोले कि मैं खुद भक्त की भाव को अंगीकार करते हुए भक्त के रूप में अवतार ग्रहण कर रहे। तो इसलिए पंचतत्व की प्रणाम मंत्र में है क्या, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्तशक्तिम। भगवान कृष्णचंद्र पूर्ण शक्तिमान, उसी शक्ति ही क्या हुआ पांच तत्व में परिवर्तित होके महाप्रभु के अवतार में पंच तत्व के रूप में पुनः अवतार ग्रहण किए। एक तो है भक्त रूप और खुद महाप्रभु कृष्णचंद्र जो राधा कृष्ण मिलित तत्व, और फिर नित्यान प्रभु जो वरदेव प्रभु भक्त स्वरूप, फिर गदाधर अद्वैत आचार्य ये कौन है ना भक्त अवतार, उसके बाद गदाधर पंडित ये हुए क्या रा भक्त शक्ति, और शिवास पंडित शुद्ध भक्त। तो ये जो पंचतत्व से ये अद्वैताचार्य क्या शुभ आविर्भाव थे, उनके पिता थे कौन रा कुबेर पंडित और माता थे राभा देवी। इनका जन्म वृत्तांत में सुनाया जाता है कि जो कुबेर पंडित थे वो वैष्णव थे तथा उनके माता भी वैष्णवी थे, मगर हो गया फिर भी कोई नहीं हो रहा था उनका, फिर भी वो ठाकुरिया भजन साधन इत्यादि में प्रवृत्त थे। एक बार क्या हुआ ना कुबेर पंडित ने कोई वैष्णव की विरुद्ध में कुछ शब्द श्रवण किया, वैष्णव की निंदा कर रहा था, उसमें वो इतने दुखित हो गए कि वो अपने प्राण विसर्जन करने के लिए भी तैयार हो गए, संकल्प कर लिया कि मैं प्राण विसर्जन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वैष्णव की निंदा श्रवण किया। तो जब किए तो कोई वैष्णव समझाए बात कि देखो अभी तो तत्काल की समाज की ही व्यवस्था बन गया है कि सारी ना भगवान की भक्ति को छोड़ के देवादेवी इनका अर्चन पूजन में सारी क्या करे ना लगे अच्छे से, संकल्प कर लिया कि प्राण त्याग करूंगा। तो उस समय ही उनको एक दिव्य स्वप्न देश हुआ, उसमें क्या है कि दिव्य महापुरुष उनके स्वप्न में आए कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ ना मेरा स्वरूप के रूप में मैं तुम्हारा संतान के रूप में उत्पन्न होगा और वही भक्ति भाव की प्रचार करूंगा। कुबेर पंडित को प्राप्त हुआ, वो जाके उनके जो पत्नी थे नाभा देवी उनको श्रवण कराए, ऐसा ही स्वप्न देखे थे। उससे ये प्रतीत हुआ कि कोई दिव्य महापुरुष का आगमन होगा, जिसके कारण भक्ति पुनः स्थापित हो पाएगा और सारी जीव क्या ना भगवत भक्ति में भक्ति का आचरण करेंगे। तो कुछ समय के बाद राधा देवी ने गर्भधारण किए और ये जो मकर सप्तमी तिथि है
में ये जो कुबेर पंडित जी रहे थे उदिक शिखंड उनके जो ये था वशिष्ठ स्थान उस समय जो सप्तमी में वो बड़ा उत्सव होता है वहां का उसी तिथि राधा देवी के गर्भ से कुबेर पंडित राधा देवी को आशीर्वाद कर चुके इस धरा प्रभु की शुभ तिथि की जय। तो आविर्भाव होते होते ही उनके शरीर में महापुरुष के कई तरह के लक्षण थे। ये तो बड़ा विस्तृत वर्णन है। उनका जो बाल्य जीवन बड़ा अद्भुत रहा क्योंकि खुद महाविष्णु अवतार सर्वश्रेष्ठ चंद्र कहा गया कि कौन है ये महाविष्णु है। एक बार जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे तो उनके जो पिता थे कुबेर पंडित थे बहुत दिव्य सिंह एक राजा की कुल पंडित थे राज पंडित थे। तो उनके पुत्र के साथ ही उनका मतलब पढ़ाई चल रहा था। तो एक बार उनके जो पिता थे मतलब जो दिव्य सिंह थे देवी काली का भक्त थे देवी का ही अर्चन पूजन कर रहे थे और उसी क्रिया में प्रवृत्त होकर उनके जो बेटा था वो भी काली का उपासना करने लगे। तो एक बार ये दोनों मतलब ये अद्वैताचार्य ने उनके जो अद्वैताचार्य और दिव्य सिंह के जो राजा की जो बेटा था दोनों मिलके क्या किए ना कि काली देवी का मंदिर में गए। तो इधर ये तो काली देवी को देख के तो राजपुत्र को बड़ा अच्छा ये अच्छा नहीं लगा तो उनको बड़ा डांटने शुरू कर दिया। बोले अरे कृष्ण बोला ये सब संबोधन क्यों हुए कृष्ण बोला मतलब हर समय भगवान की नाम लेते थे कृष्ण बोला ऋतुम इतना कृष्ण बड़े भक्त हो गया देवी के सामने जो जगत की करता है मतलब करती है उनके सामने खड़े उनको प्रणाम नहीं किया तो तुम्हारा बड़ा अपराध और एक दिन क्या होगा तुम्हारे कृष्ण भजन में सारी सारी सृष्टि नाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे राजकुमार ने बोल दिया क्योंकि उसके आने नहीं था देता जी है कौन। और ये बात जब श्रवण किया देता जाए ने बड़ा गुस्सा हो गया पूरा हुंकार गर्जन की उसी हुंकार गर्जन श्रवण कर राजकुमार गया मूर्छित हो गया। और ये तो बड़ा गुस्सा आ गया उनको क्योंकि उनको बोले प्रणाम करने के लिए देवी को अरे देवी है ही कौन बल्कि देवी है साधन शक्ति रेखा छाये जस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्य च तिष्ठिता सा कि भगवान की छाया स्वरूप में और भगवान की इच्छा को ही क्या करते हैं परिपूर्ण करते हैं ये देवी का कार्य हो उसी देवी ये भगवान के अंश है देता चलिए वो उनको फिर कैसे प्रणाम करेंगे। तो ये और इधर रात जो रात उनके पुत्र की मूर्छा हो गया या ऐसा ही पड़ा है तो बड़ा दुखी हुए थोड़ा। तो फिर सारी सारी उनके पुत्र मतलब कुबेर और सारी सारी राजा राज कर्मचारी वहां आके उपस्थित हुए और देखे कि राजकुमार के सचेतन अवस्था पड़े बाल्यकाल के नाम था कमलाक्ष उनको जब उन्होंने तो मिले नहीं फिर बाद में पता चला कि गुफा में थे। फिर वहां उनको लाया गया और उनको प्रार्थना किया गया कि अभी राजकुमार की क्या करो आप पुनः उनका अपराध क्षमा करो और उनको जीवन दान दो। तो फिर कृपा करके जब उनके पिता ने बोले तो विष्णु चरणामृत को लाके उस राजकुमार के शरीर में छिड़के तथा पुनः ये चेतन को प्राप्त हुई। तो ऐसा ऐसा ही कि ये बाल्य लीला था। तो ये जो श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर महाप्रभु आगे सबसे की बड़ी चीज ये थे माधवेंद्र प्रसाद की शिष्य। तो श्री माधवेंद्र प्रसाद के शिष्य होने के कारण महाप्रभु थे कौन ना ईश्वरपुरी के शिष्य। तो ये जो माधवेंद्र प्रसाद महाप्रभु के परम गुरुदेव होते समय अद्वैताचार्य के स्थान तृतीय इत्यादि करते थे और उस हर समय उनको गुरु ज्ञान में अद्वैताचार्य को कभी भी क्यों क्योंकि अद्वैताचार्य ये अच्छे से जानते थे ये हो है कौन ना ये खुद महाप्रभु भगवान कृष्ण चंद्र है। अभी कृपा करके इस कलयुग जी को उद्धार करने के लिए अभी करुणाय अवतीर्ण करो इस कलयुग में करुणा अवतार करने के लिए। तो ये हर समय उनको ऐश्वर्य दृष्टि में देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि भगवान मुझे शासन करे भगवान मुझे
एक साधारण भक्ति के रूप में देखे, मगर भगवान कभी उनको देखते नहीं, महाप्रभु कभी भी उनको साधारण भक्ति के रूप में कभी देखे नहीं। तो उनसे ये दंड प्राप्त करने के लिए अद्वैताचार्य ने एक आश्चर्य को सोचे कि कैसे महाप्रभु से मैं दंडित होगा तथा उनका कृपा को प्राप्त करें। ऐसे तो कृपा प्राप्त है मगर फिर भी दंड प्राप्त करने के लिए विशेष इच्छा उत्पन्न हुआ। तो महाप्रभु कृष्ण से ही सत्य करे जय मागे भृत्य। कृष्ण के कार्य क्या है कि जो भृत्य की वांछा उसको ही पूर्ण करना ही कृष्ण की वांछा। अभी अद्वैताचार्य ने चाहते है कि मैं महाप्रभु से दंड प्राप्त करूँ। तो अभी अद्वैताचार्य किए क्या ना, वो अपने मन मन में सोच रहे कि रे ठाकुर जी मुझे वंचित करे, वंचना करे। क्यों ना, कि भृगु ऋषि थे। ये भृगु ऋषि जाके क्या किया ना, नारायण के ऊपर अभ्रंश स्थल में पदाघात किया। सारे सारे लोग सोच रहे कि क्या ना, इसमें भृगु ऋषि का महिमा ज्यादा है। तो अद्वैताचार्य सोच रहे नहीं, इसमें भृगु ऋषि का क्या महिमा है, अरे भगवान की महिमा इसमें ज्यादा है। क्यों, कि उनको पदाघात की बात भी उसको सहन किए तथा भक्त की ये जो महिमा को प्रकाश कर दे। और इधर ये महाविष्णु खुद नारायण है और भगवान महाप्रभु है। और महाप्रभु ये क्या करे ना, मेरा ये महिमा को बढ़ाने के लिए मुझे हर समय स्तुति करते जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बोले कि मैं गुरु गुरु से जैसा मोहित नहीं होगा, मैं भगवान से दंड या शासन को सहन करके ही रहूंगा। तो अभी किए क्या ना, अद्वैताचार्य बहुत सारी शिष्य थे, वो सबको अध्ययन कराते थे। तो वो सोचने लगे हर समय भक्ति का महिमा को प्रकाशित करते थे। तो अभी शुरू कर दे कि क्या ना, महाप्रभु भक्ति को प्रचार करने के लिए आए, ये भक्ति को छोड़ के ज्ञान की महिमा को प्रकाश करने शुरू कर दे। तो जब पहले ही वर्णन किया रे क्या नहीं, जो भक्ति है बोलते है कि दर्पण जैसा, मिरर की जैसा है। और भक्ति को दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, आईना दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, चक्षु चाहिए। अंधा क्या मिरर की कुछ प्रयोजन होता है अंधा का नहीं। तो इसके बोल के जो भक्ति है मिरर की जैसा, मेरे जो ज्ञान है वो चक्षु की जैसा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति का कुछ प्रयोजन नहीं। तो ऐसे ऐसे जो वर्णन कर हरिदास ठाकुर उनका कथा श्रवण करते, वो तो हॉस्टल लगे कि पता ही अद्वैताचार्य भक्ति को प्रकाश कर रहे थे। अभी कुछ विशेष कार्य के द्वारा करने ज्ञान की विशेष कर रहे। तो ये बात जो महापुरुष को पता चला, महापुरुष ने क्या किए, नित्यानंद लोगों को साथ लेके शांतिपुर में उपस्थित हुए। तो शांतिपुर में उपस्थित सारी शिष्यों के सामने अद्वैताचार्य के आसन के ऊपर बैठ के प्रकाशित कर रहे ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात जब श्रवण के महापुरुष के पीछे जाए और सभी सभा के बीच में ही प्रश्न किए, क्या बोले, ज्ञान श्रेष्ठ या भक्ति श्रेष्ठ, प्रश्न किए। तो इसमें अद्वैताचार्य बड़े अच्छे चीज बोले कि सर्वकाल ज्ञान ही श्रेष्ठ है और जानना है ज्ञान तार उसका मतलब भक्ति में कैसा काम, जिसका मतलब ज्ञान नहीं उसका भक्ति में क्या काम। इसके बाद जब श्रवण किए तो महाप्रभु को तो बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया कि उनके जो आसन में बैठे थे उनको उठाए और महाप्रभु उत्तम मध्यम शुरू कर दिए, पिटाई पूरा शुरू, हाथ मुंह में सब लगा रहे पिटाई। और सब तो बड़ा आश्चर्यचकित हो, नित्यानंद प्रभु मगर हंस रहे क्योंकि अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु भाई कृष्ण में दोनों को बड़ा झगड़ा हर समय होता है। नित्यानंद प्रभु हंस रहे और हरिदास ठाकुर बड़ा दुखी हो रहे, उनकी पत्नी जो थे सीता ठाकुर वो भी दुखी हो रहे और कोई कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि महाप्रभु उस समय खुद को प्रकाशित करते। अभी ज्ञान श्रेष्ठ है, तुम क्या किए ना, भक्ति प्रकाशित में तुम्हें हमारे अनिया, तुम ये भक्ति को प्रकाशित में मुझे बुला के, मैं तो अपने मेरा खीर सागर में तो सोया था और तुम क्या किए ना, हुंकार गर्जन करके मुझे बुलाए और अभी क्या कर रहे हो ना, अभी माखनी से ज्ञान भक्ति मतलब अभी तो ज्ञान की तुम प्रकाश कर रहे हो और भक्ति को चुप पा गए। तो ऐसे ऐसे जो पिटाई करने शुरू करे कि बूढ़ा विप्र, ये महाप्रभु लोगों को संबोधन किए कि बूढ़े विप्र अभी खुद को रक्षा कर, कितना शक्ति सामर्थ्य है। तो ऐसे भी पिटाई करते करते मगर अद्वैताचार्य की वांछा भी पूर्ण हो रहा है, बड़ा खुशी हो रहे। तो जो ऐसे ऐसे पता चला कि वास्तव में अद्वैताचार्य ने ये ज्ञान की महिमा प्रकाशित नहीं करते थे, महाप्रभु से दंड प्राप्त करने के लिए चाहते थे। तो महाप्रभु अत्यंत लज्जित हुए और बताए कि वास्तव में अद्वैताचार्य ही शुद्ध भक्त है। और ऐसे ऐसे जब फिर महाप्रभु उनके दंड के द्वारा उनको शासित किए तथा अद्वैताचार्य जो खुद बोले, फिर जब दंड प्रदान करते तो बोले क्या रे, कहाँ तुम्हारा गया वो स्तुति, जिस स्तुति में तुम मुझे गुरु ज्ञान करते थे अभी तो दंड प्रदान कर रहे हो। तो महाप्रभु बड़ा लज्जित हुए और फिर तीनों मिलकर क्या किए, प्रसाद पा रहे थे। तो प्रसाद ही शुरू के इसमें कि नित्यानंद प्रभु का महिमा के बारे में अद्वैताचार्य बोला अच्छे से बोले
जब नित्यानंद और अद्वैता जी दोनों बैठे हुए तो अद्वैता जी शुरू कर दी, बोले कि अरे मेरा तो अभी जाति नाश हो गया, अरे ये अवध तो किस कहा है, इसको इधर बैठा दे, इनका जाति बोल का कुछ ज्ञान ही नहीं है, मेरा जाति बोल है ही हो गया, अरे कहां अभी तो पता नहीं उनका पिता माता कौन है ये भी पता नहीं, ये और समय पागल है और हरि बोल बोलते हैं। बल्कि अद्वैता जी एक एक पहले क्या बनता है कि उनका जाति गुण नहीं, कृष्ण भजन है नहीं जाति बुला, अगर जाति गुण ज्ञान होता तो कोई कृष्ण भजन नहीं कर सकता, नित्यानंद प्रभु खुशी महिमा को वर्णन किया क्या, अगर जाति गुण होगा तो कृष्ण की भजन नहीं हो सकता, इसलिए नाहम विप्र ना च नरपति न वैष्णव शूद्र, आत्मस्तुति में कहा जाता है कि ना मैं विप्र ना मैं नरपति ना शूद्र मैं वैष्णव हूँ, अगर जाति गुण के अभिमान रहेगा तो कृष्ण भजन नहीं पाएगा। नित्यानंद प्रभु एक चीज में भी प्रकाशित किया क्या, ना मेरा कोई जाति नहीं मेरा भक्त कोई जाति नहीं, कृष्ण भजन हुई जाति नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका घर वाले की कोई भी ठिकाना नहीं, बल्कि न जन्म न कर्म बंधन जन्म वैष्णव विद्यत है, जो वैष्णव होते हैं उनका जन्म कर्म कुछ भी नहीं होता है, और ये तो खुद महाविष्णु नित्यानंद प्रभु खुद बलदेव प्रभु उनका भी जन्म कर्म कहाँ आएगा, इसलिए उनका जन्म कर्म की कोई ठिकाना नहीं, और करते है क्या ना बल्कि मैं सन्यासी हूँ, और उनका गुरुदेव की महिमा नहीं, अरे जो जगत का गुरु है उनका कोई गुरु हो सकता है क्या, खुद स्वरूप शक्ति बलदेव प्रभु सबका गुरु है वो, उनका फिर कौन गुरु आएगा, तो ये बलदेव प्रभु, और फिर क्या ना पागल जैसे नृत्य करते है, बल्कि पागल की जैसे तो नृत्य करते है, ये जागृति जगत के लोगों के लिए पागल नहीं, पैसा धन इत्यादि के लिए पागल नहीं, किसके लिए पागल, बल्कि कृष्ण के लिए ही पागल, यही पागल होना ही हमारे एकमात्र ये जो साधन प्राणी पागल होने के लिए, ऐसे नित्यानंद प्रभु महिमा का वर्णन करते है साधु आचार्य प्रभु का जो भक्ति को स्थापन किए उसी भक्ति के चरण में हमारा भक्ति हो सके, नारद जी को सही महाराज बतलाते हुए कहते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु
विष्णु तो वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात है, और उनका जो राइट यानी कि दाएं भाग से निकलता है वो विष्णु तत्व निकलता है, वो सब विष्णु मूर्ति है। तो पूज्य पाद श्री हमारे नित्यानंद प्रभु ये हमारी कौन है, विष्णु मूर्ति है। पूज्य पाद हमारे अद्वैत आचार्य क्या है, विष्णु मूर्ति है। इसीलिए क्या है, इनका हम आविर्भाव तिथि में हम व्रत रखते हैं, नित्यानंद तिरुभाव तिथि हम नित्यानंद त्रयोदशी करते हैं, आज सप्तमी है, आज हमारा व्रत है। और उनके जो शक्ति है चिगदाधर पंडित, ये क्या है, राधा रानी है, वो शक्ति है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्रत नहीं करते, उत्सव भी मनाते हैं। श्रीवास पंडित है और समस्त गुरु के प्रदर्शित करते हैं, तो व्रत हम क्या करते हैं, और वो कि देखो तत्वता अद्वैत आचार्य कौन है। यद्यपि देखा जाता है संसार में कि जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हें सही कहते हैं, सही है, वो वैष्णवों को उतना पसंद नहीं करते, जो आचरण अलग ही होता है, वो बहुत लगाते हैं और मरु स्थिति में रहते हैं, तो वो वैष्णवों को उतना नहीं करते, नहीं जहाँ पे ये मुंड राजा उजा खा रहा, तो वो ऐसे मानते हैं अपने आप को, तो नहीं होते, तो सही पर एकदम भी अलग अलग है, दोनों भिन्न है। लेकिन कहते हैं तत्व तो क्या है, ये महावीर सदा शिव के मिलित और ऐसा विलक्षण नहीं दिखता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो जो शक्ति है, जो चित शक्ति है, जो सत शक्ति है, वो है हमारे बलदेव प्रभु, उनसे हुआ संकर्षण, महासंकर्षण, उनके ही अंश क्या हुए, महाविष्णु, उनके ही सदाशिव। तत्त्व प्रणाली के हिसाब से दोनों का भेद, तो दोनों ही तत्व का कौन बन जाते हैं, हमारे अद्वैत आचार्य। अब ये सृष्टि यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद निमित्त कारण है। देखिए समझने वाली बात है कि कुम्हार को हम देखते हैं सुराही मिट्टी का बर्तन इत्यादि घड़ा बनाते हुए, महाविष्णु ही क्या बनते हैं, वो उपादान कारण है, और वही तो उपादान कारण में वर्णित होते हैं, उसको कहते हैं हम महत्त्व। महत्त्व ही है वो तत्व जो सब कुछ बनता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जाता है और पहले एक अणु होता है, गर्भ में एक अणु होता है। अब एक अणु का जो जीव है वही जब धीरे धीरे विकास करता है और बढ़ते बढ़ते कोई हाथ बनता है, कोई चेहरा बनता है, कोई पैर बनता है, कोई हृदय बनता है, कोई मस्तिष्क बनता है, कोई आंख, कोई नासिका, सब कुछ बनता है ना, होता है वही अणु है ना, तो तत्व को भी जानना होता है। तो वही महत्त्व को ही ब्रह्मा जी अनेक रूप में परिणित कर देते हैं, कोई बनता है आकाश, कोई हवा, ये धरती है, नाना प्रकार के चीजों की तैयारी बनता है। तो वो जो उपादान कारण है वो हमारे अद्वैत आचार्य है, तो वही उपादान कारण अद्वैत आचार्य ये महाविष्णु और जो सदाशिव जब मिलते हैं वो अद्वैत आचार्य बन के यहाँ पे आते हैं। अद्वैत आचार्य ही कारण है किसका, ये पूरा का पूरा सृष्टि का, उन्हीं के कारण है। तो जब वो जब यहाँ पे थे और जब उन्होंने देखा कि मेरे जीवात्माएं एकदम अज्ञानी हो गए, इनको भजन करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, इनको मौका मिला है और भजन एकदम कुछ भी नहीं हो रहा। कलयुग में जैसे भागवत में हम कथा भी सुनते हैं ना, जो भक्ति देवी और नारद ऋषि का जब संवाद होता है हम भागवत के महात्म्य में, तो नारद जी जब कलयुग में इतना दोष था, इतना प्रदूषित है, तो फिर परीक्षित महाराज ने कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया। अगर परीक्षित महाराज ने छोड़ भी दिया, दंड नहीं दिया, तो इसके दंडता को भगवान क्यों सह रहे हैं। तब नारद जी ने कहा था कि देखो देवी, अगर आप पूछ ही रहे हो तो सुनो, जब भगवान लीला संवरण करके अपने धाम को जा रहे थे, उसी वक्त उसी क्षण से कलयुग अपना पैर जमाना चालू कर दिया, और जब परीक्षित महाराज ने देखा तब उसको मारने के लिए उद्यत हुए,
लेकिन कलयुग क्या क्या दीनवत शरणम गत, मतलब अपने शरणागत हो गए। अब परीक्षित महाराज तो कौन है, महा क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म उनको पता है तो उनको माफ कर दिया। और महावैष्णव थे वो सारग्रही थे, सारग्रही मतलब इतना अवगुण होने के बावजूद भी कलयुग में उनको एक बढ़िया गुण दिख गया। और क्या था वो गुण, नारद जी कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न साध योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। अन्य अन्य युग में जितना भी योग तपस्या पूजा इत्यादि तपस्या जो भी था, जो भी फल था, जो मिला करता था, वो कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आसानी से मिल जाता। यहाँ पे न गुफाओं में जाने की आवश्यकता, न बहुत तपस्या करने की आवश्यकता, न बहुत अर्चन करने, क्योंकि सब में दूषित है। तो यहाँ पर करना क्या, केवल हरे कृष्ण महामंत्र करो और सबका सब फल अपने आप ही मिलते जाएगा। लेकिन नारद जी कहते हैं कि देवी जिस प्रकार से ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से कलयुग का वातावरण इतना कलुषित और दूषित कि भगवान का इतना सुंदर गुण हरे कृष्ण महामंत्र जो यहाँ कलयुग को पावन करने वाले है ये भी बेकार ही सिद्ध हो रहा था। यही चीज उन्होंने अद्वैत आचार्य ने वहां देखा अपने युग में। अद्वैत आचार्य कब आए, महाप्रभु आज से 550 साल पहले, 550 साल पहले आए, और वो उनसे 52-53 साल पहले, इनके 600 साल पहले, जब उन्होंने देखा कि वातावरण कितना, मतलब नवदीप वहां कहा जाता है कि वो ज्ञान की गुंज थी, जगह थी, जब नवदीप का व्यक्तियों का यह स्थिति तो विश्व के अन्य अन्य जगह को क्या स्थिति होगी। तो अद्वैत आचार्य ना, क्योंकि अद्वैत आचार्य सभी निकले है ना, वो सबके पिता है ना, तो बड़ी करुणा होती थी, करुणा के कारण वो तेज नाम करते थे कि मेरा नाम कहता होगा, मेरा नाम उच्चारण लोगों को सुनाई देगा तो क्या पता उनका कल्याण हो। लेकिन मुसलमान तो थे उस वक्त, मुसलमान का शासन था, वो तो विरोध कर ही रहे थे, हिंदुओं का भी मति भ्रष्ट था, वो भी कुत्ता बिल्लियों के जो शादी विवाह में बड़ी समय दे रहे थे, लेकिन अपना आत्म कल्याण का चीज करते ही नहीं थे। तो उनके ऊपर धमकी आती थी कि तुम बंद करो, बहुत तेज करते हो, तुम शोर शराबा करते हो। आजकल के वातावरण में कई तरह दिखा जाता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करते जाओ तो लोगों को लगता है शोर शराबा हो रहा है, ये समय बर्बाद कर रही है, इतना सुंदर सोए हुए थे, सुबह सुबह आ जाते हैं, पता नहीं क्या बजाते हैं, लोग सब ये सब करते, उस वक्त भी ऐसा ही होता था। तो ना तो ये अद्वैत आचार्य का हृदय ना बड़ी करुणा से भर जाता था, क्या किया जाए, खुद ही करते रहते थे ना। लेकिन वो कहते थे कि इतना नाम करने से नहीं होगा, मैं नहीं इनको तार पाऊंगा, आप ही आओ, तब जाके वो, जैसे अभी प्रभु ने कहा ना कि तुलसी दल मात्र जलस्य चुनु के नवा विक्रीनो समात्मा ना भक्ति पे भक्त वत्सला। जब उन्होंने ये देखा तो तुलसी दल मात्र ना, तुलसी का दल जलस्य चुनु के नवा, चुल्लू भर जल, चुल्लू भर मतलब कितना होता है, इतना लगा ना, हम चुल्लू भर पानी में डूबते हम कहते हैं, तो चुल्लू भर जल ना, इतना जल, चुल्लू भर जल और तुलसी दल, इतना से जब शालिग्राम जी का स्थापित करके पूजन किया, केवल इतना से ही नहीं होता है, कहता हम भी तो कर सकते हैं, तो भगवान जी आ जाएंगे क्या, इतना वैसा भावना होना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य जी के पास था, तो वो भावना समझने के लिए पहले उनका जीवनी तो समझना पड़ेगा ना, वैष्णव के आनंद रहे के। तो वो भावना से जब उन्होंने पूजा तब ठाकुर जी साक्षात आए यहाँ पे, और उन्हीं के मतलब इतना वो जब आए तो वो लगभग 52-53 साल के थे, ठाकुर जी ने अपना सारा लीला संवरण किया, और जब गए तो उनको जाने का भी उन्होंने नहीं दिया कि बहुत हो गया, अभी सुना ना आपने कि चावल नहीं बिक रहा यहाँ पर, चावल सब में भर गया, यानी कि प्रेम रूपी जो चावल आप देने जा रहे तो बहुत बढ़ गया, अब आपके यहाँ पर चावल का खपत नहीं है, अब बोले मिस्टर बांध के आप जाने का तैयारी करो। तो ठाकुर जी एकदम उस पर क्या हो गए सीरियस, जितना प्रचार था कार्य सब तो हो गया, अब उसके बाद जैसे उनको जो पत्र मिला उसके बाद वो क्या हो गए, गंभीर, केवल अपना रसास्वादन करते एकदम विरही की तरह, आंसू टपकाते रहते, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। उसके बाद उनका जो विरह का लीला, वो जो हम जगन्नाथपुरी में हम गंभीरा में देखते हैं, वो वहाँ पे संवादन करना होगा। और ठाकुर जी अपना अंत में ठाकुर जी गोपीनाथ में समा गए, ठाकुर जी चले गए लीला संवरण करके, धीरे धीरे उनका परिकर भी जाने लगे, परंतु अद्वैत आचार्य फिर भी 25 वर्ष तक यहाँ रहे। क्या देखने के लिए, जब भी कोई चले जाते हैं ना, कोई जैसे ठाकुर जी चले गए तो फिर यहाँ बिगड़ ना जाए चीजें, गैरा जीव आत्मा फिर तो बिगड़ रही, क्योंकि जीव आत्मा को ठीक करने के लिए मिला था, अब सबको भक्ति मिल गया, अब ठाकुर जी चले गए तो उनका विरह या उनके जाने के बाद क्या प्रभाव होता है वो देखना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ रह के चेक करना पड़ेगा।
तो इसीलिए वो यहाँ रहे 25 साल तक, जब देखा कि सब ठीक ठाक हो गया है, अब सब भक्ति कर रहे हैं। और उस वक्त हमारे त्रित जो भक्ति त्रय कहते हैं ना, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु, तब वो आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने भी भक्ति प्रचार की, जब उन्होंने देखा कि अब जो भक्ति का जो साम्राज्य है इनके अधीन है और ये बढ़िया से प्रचार हो रहे हैं और जीवों को कल्याण हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है और भक्ति प्रचार चारों तरफ हो रहा है, तब उन्होंने अपना लीला संवरण करके फिर वो अभी अपना स्वधाम गए। तो इस ऐसे अद्वैत आचार्य को देखिए, जब ठाकुर जी, जब देखिए कलयुग में हम क्या सुनते हैं, जब तुलसीदास जी आविर्भूत हुए, जब आए तो उनका सबसे पहला शब्द मुझे क्या निकला था, राम। इसीलिए उनका क्या नाम दिया गया, राम बोला। ऐसे उद्धव जी जब आए ना, सबसे पहले उनका मुंह से निकला था कृष्ण। यदि कृष्ण बोलना बड़ी कृष्ण होता, बड़ी थोड़ा बच्चा नहीं बोलता कृष्ण, लेकिन उद्धव जी बोले। जब कंस ने सुना ना कि ये कृष्ण बोल रहा था, महाराज जी का सामना कर, इस तरह बीमारी है ये कृष्ण जो है ना, ये बीमारी है, ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तब जाके नहीं तो मतलब उद्धव को अब दुश्मन का नाम बोला है कृष्ण कृष्ण। उसी प्रकार से जब अद्वैत आचार्य जब आए और उनका जब पहला आवाज निकाला, उन्होंने कहा श्री कृष्ण चैतन्य 53 साल पहले। और चैतन्य महाप्रभु का ये संन्यास कब हुआ, 24 साल जब आए, 24 साल के बाद, यानी कि लगभग कितना 77 साल पहले उन्होंने कृष्ण चैतन्य करके नाम उच्चारण किया। किसी को पता नहीं चैतन्य क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको पहले ही पता था कि मैं जिसके लिए आया, मेरे प्रभु आएंगे तो किसी और का नाम क्यों उच्चारण करें। तो ऐसे मतलब अद्वैत आचार्य जी है, उनके ही कृपा से आज हम देखते जहां कहीं भी कोई करुणा किया जा रहा है ना, या कोई करुणा करे किसी को भक्ति राज्य में खींच के ला रहे, केवल उन्हीं के कृपा, उन्हीं के कारण महाप्रभु आए, उस कृपा के कारण, उस करुणा के कारण। और जो करुणा हमारे गुरु महाराज है कोई भी दिखा रहे, केवल उन्हीं का ही विस्तार है ये। ऐसे अद्वैत आचार्य को हम भी प्रणाम करें और उनसे हम मांगे कृपा की, हे प्रभु आपने जैसे चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम में लाए, ऐसे हमारे हृदय में भी ला दे कि हमारे भी जो कितने जन्मों के जो पाप कुछ हमने इकट्ठा कर रखा है वो भस्मभूत होके भक्ति का कुछ अंश हम आपके अनुभव कर पाए। मैं भी तैयारी नहीं, मैं बोला लग रहा था वो तो देख कर मैं कैसे यहाँ खड़ा हो गया, नहीं खड़ा हो गया। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैताचार्य जी की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरु पादपद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला गुरुष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा अवतरित होऊंगा। कृष्ण हमेशा ही आएंगे, कभी राम बन करके आएंगे, कभी खुद ही आएंगे, ठीक है महाप्रभु आएंगे। जब रामलीला में कृष्ण हैं तो वो मर्यादा में है, उनका है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम। जब कृष्ण लीला में है देखो कितनी सुंदर मर्यादा, राम लीला में देखो राम जी का आचरण देखो कितना सुंदर है। वही जब कृष्ण लीला में देखो, कृष्ण लीला में लीला पुरुषोत्तम, क्या नाम है लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण की लीला कितनी सुंदर सुंदर है, कृष्ण की लीला सुन सुन के आप लोग कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ बैठे हैं। कृष्ण की लीला बोला लीला पुरुषोत्तम, वही कृष्ण अभी महाप्रभु बन करके आए कलयुग में 550 साल पहले, वो उनको बोला गया प्रेम पुरुषोत्तम। क्या बोले गए, प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम धाम देव में गुणों में गौर सुंदरम,
प्रेम दान देते हैं, मारते नहीं, चक्र भी उठाएंगे नहीं, धनुष भी उठाएंगे नहीं, क्या करेंगे, कैसे कैसे उद्धार करेंगे, प्रेम दान देकर। राम जी ने देखो रावण को मार दिया, कृष्ण को देखो जो जादू वाला मार दिया, चक्र लिया मार दिया, धनुष लेकर कितनी सेना जरासंध की मार दी, लेकिन महाप्रभु मारे गए। महाप्रभु कैसे उद्धार करेंगे, प्रेम दान दे करके, उसको ऐसा प्रेम दे देंगे कि वो सारी की सारी जो भी गड़बड़ है उसके अंदर सब, ठीक है। सबसे बेस्ट उपाय क्या होना चाहिए, क्या कहते हो, प्रेम दान, तो मारना कोई उपाय नहीं। अब महाप्रभु कलयुग में आने वाले हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगवान आने से पहले आने की तैयारी होती है, आने की तैयारी होगी ना, जैसे मान लो भी नोएडा में नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी आने वाला तो तैयारी होगी, पुलिस लग जाएगी, सिक्योरिटी लग जाएगी, तीन चार घेरे बन जाएंगे, उसके बाद जाकर के नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ही होता है ना, सीधा तो आएंगे नहीं। जब महाप्रभु आते हैं तो महाप्रभु के आने से पहले उनका धाम, उनके परिकर, उनके निज जन पहले ही आ जाते हैं, इसलिए कीर्तन में बोला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद स्वीय धाम सहवतारी। धाम और उनके निज जन पहले आ जाएंगे, उन्हीं में से ही एक सबसे श्रेष्ठ कौन, अद्वैताचार्य जी, श्रेष्ठ कौन, बड़े सीनियर और बहुत पहले आगे, सुना ना कितने साल पहले है, 60-70 साल पहले आगे महाप्रभु से आकर के, और धराधाम पे सारी वैष्णव जगत देख रहे हैं कैसे लोग भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसमें भी हमारे प्रभु जी बता रहे थे दो कारण बताए ना, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उसमें गुरु जी का मैं पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने बोला किस प्रकार होता है उपादान कारण का अर्थ क्या है, निमित्त कारण का अर्थ क्या है, कृष्ण है निमित्त, और अद्वैताचार्य जी को बताया उपादान कारण कैसे कैसे बताया। उसमें उदाहरण दिया, गुरु जी खुद बोल रहे हैं, जैसे मान लो गुरु जी बोल रहे कि मैं तुमको कहूं उठो और इस व्यक्ति को उठा करके बाहर कर दो, क्या करो, इस व्यक्ति को उठा करके बाहर कर दो, ये किसकी इच्छा है, ये गुरु जी की इच्छा, लेकिन बाहर कौन कर रहा है, जैसे मान लो ये कर रहे हैं बाहर कौन कर रहा है, ये कर रहे, दिखेगा क्या, इन्होंने इनको बाहर कर दिया, लेकिन बाहर कौन कर रहा है, इसी प्रकार निमित्त है महाप्रभु, कारण निमित्त कारण, मूल कारण कौन है, कृष्ण, और उपादान जो आकर के जो और उसको जो सहायता करेंगे, जो उस कार्य को करते हुए दिखेंगे, वो अद्वैताचार्य जी बताएं। इसलिए अद्वैताचार्य जी जब आ गए धराधाम पर और देखते हैं कि जीव की दशा बड़ी खराब है, बहुत खराब है, और जब महाप्रभु का तो बताया कि जब कृष्ण लीला, कृष्ण जो है उनको बड़ा रसिक शेखर, सारे रसों का वो आस्वादन करेंगे, सारे रसों का, बासल रस का आस्वादन करेंगे, मैया की गोदी में बैठेंगे, मक्खन चुराएंगे, सारे जो रस है उनका आस्वादन कृष्ण करेंगे, लेकिन कुछ कारण, कुछ रस ऐसे जो रह गए, जैसे कि मेरे खुद का रूप की क्या माधुरी, कृष्ण सोचते हैं कि मेरे रूप की ऐसी क्या माधुरी है कि सब लोग देखते मुझे मोहित हो जाते हैं, मेरा ऐसा कैसा रूप है, रूप माधुरी, मेरी रूप की क्या माधुर्य है, वो कैसे जाना जा सकता, खुद से तो नहीं जाना जा सकता, तो आश्रय खुद से कैसे जानेंगे, विषय है ना, विषय तक आश्रय कर लेकर के तो जान पाएंगे ना किसी चीज को जानने के लिए, तो वो बड़ा उनको एक चीज रह गई आस्वादन करने के लिए। दूसरी चीज रह गई कि राधा रानी को मुझे देख करके ऐसा क्या लगता है, राधा रानी का क्या, मुझे देख करके राधा रानी के मन में क्या आता है, क्या भाव आता है और उसमें क्या आनंद है। इस प्रकार के तीन कारण को लेकर के महाप्रभु तो आने वाले थे, लेकिन उसमें सोचना था कि कब आए, कलयुग के किस समय पर आए, शुरू में आए, बाद में आए, किस समय पर आए। तो अद्वैताचार्य जी तो आ चुके थे, उन्होंने आकर के देखा कि बड़ी भयानक स्थिति है जीव की, कोई भक्ति भक्ति करता नहीं, भक्ति लगभग लुप्त तो हो चुकी, इक्का दुक्का कहीं थोड़ी बहुत कहीं छोटे मोटे रूप में चल रही है। अद्वैताचार्य ने देखा कि ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, उन्होंने महाप्रभु का आह्वान करने के लिए उन्हें बताया, महाप्रभु को बड़ी प्रिय कौन है, तुलसी जी बड़ी प्रिय, इसलिए जो सुबह आरती करते ना शाम को भी करते, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी पत्ता कृष्ण का स्वयं चरणामृत, गंगा जल और शालिग्राम को लेकर, शालिग्राम दल लेकर के मंजरी से और आह्वान करते हैं। महाप्रभु ने जब आए ना, बाद बोले कि मैं तो सो रहा था, मैं तो शीर सागर में आराम से सो रहा था, लेकिन अद्वैताचार्य जी जो आपने जो मेरे को जो हंकार लगाई ना,
जब आपने मेरे को बुलाया मेरे को आना ही पड़ा, नहीं तो मैं तो सोता, लेकिन आपके बुलाने से मुझे आना पड़ा और जीव का उद्धार मेरे को करना पड़ा। देखो अभी जो हम सब नाम कर रहे हैं सब करें, महाप्रभु आते थे, सब होता नहीं होता तो महाप्रभु किन्होंने बुलाया? अद्वैताचार्य जी के हम कितने ऋणी है, बहुत ऋणी है अद्वैताचार्य जी। तो अद्वैताचार्य जी का आचार्य मतलब भगवान से जगत विष्णु अवतार शिया द्वैत चंद्र गदाधर शिवा गौर भक्त वृंद जय जय नित्यानंद अद्वैत गौरांग। महाविष्णु अवतार, महाविष्णु के अवतार कौन है? अद्वैताचार्य जी। और अद्वैताचार्य जी आकर के महाप्रभु को बुला करके ये जो जो प्रेम जो बांट रहे हैं, अभी कौन बांटेंगे? महाप्रभु बांटेंगे, लेकिन महाप्रभु तो आ गए। और अद्वैताचार्य जी बताए ना अद्वैत, महाप्रभु से अभिन्न ही है, कृष्ण ही है, मतलब विष्णु महाविष्णु तत्व रूप से एक ही है, लेकिन आचार्य है। उनका दूसरा क्या शब्द है? अद्वैत और आचार्य। आचार्य मतलब खुद आचरण करके दिखा रहे कि ऐसे भक्ति करोगे तब जाकर के प्रेम मिलेगा, और कुछ करने से मिलेगा नहीं, स्वयं आचरण करके अद्वैताचार्य जी दिखा रहे। और जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बड़ी शिक्षा देते थे, जितने भी लोग उनके पास में आते थे उनको भजन की उनकी शिक्षा देते थे। एक बड़ी सुंदर लीला है, जो महाप्रभु के जो बड़े भाई थे उनका नाम था विश्वरूप, विश्वरूप जो थे वो अद्वैताचार्य जी के पास में पढ़ने आते थे, पढ़ाई करने आते थे, पढ़ाई कर उनको वो पढ़ाते, शास्त्र का सारा सारा पढ़ाते थे, भक्ति कराते थे जो भी उनके पास में आते थे। और सच्ची माता जो उस समय भी महाप्रभु बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, जैसे ढाई तीन साल के बच्चे होते थे, छोटे बच्चे। तो एक बार सच्ची माता ने जो है भेजा महाप्रभु को, जाओ निमाई, जाओ अपने जो बड़े भाई हैं विश्वरूप जो अद्वैताचार्य जी के टोल में पढ़ाई कर रहे, टोल माने स्कूल बंगाल में टोल, वहां पे जो पढ़ाई कर रहे उनको बुला करके ले आओ। और अद्वैताचार्य जी जब महाप्रभु बुलाने जा रहे, किसको बुलाने जा रहे? बड़े भैया को बुलाने जा रहे, बड़े भैया को बुलाने जा रहे ना, तो बुलाने तो बुला तो रहे बड़े भैया को, लेकिन ऐसे तिरछी नजर से ना अद्वैताचार्य जी को देख रहे, छोटे महाप्रभु और इतना सुंदर रूप है महाप्रभु का, अद्वैताचार्य जी को तिरछी नजर से देख रहे और बोल रहे मुझे पहचान नहीं रहे, मुझे बुलाया था, मुझे बुलाया था और मुझे पहचान नहीं रहे हो। अद्वैताचार्य जी देख रहे की बच्चा कौन है इतना आकर्षक, मुझे आकर्षित कर रहा है। और वो जब उनके जो भैया है ना उनको बोलते चलो चलो, जैसे पहले धोती पहनते ना ये जो उतरी, इसको अपने भैया को विश्व को पकड़ के महाप्रभु बोलते चलो भैया बुला ली, खींचने लग जाते ऐसे ऐसे करके, और खींचते खींचते और ऐसे घूम करके और अद्वैताचार्य जी को देखते से महाप्रभु। और अद्वैताचार्य जी बोलते ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई, क्योंकि महाप्रभु की कोई लीला को समझना बहुत कठिन है, भगवान की कोई समझ नहीं सकता, भगवान जिसको जनाएंगे वो ही जान सकते हैं। इसलिए जब महाप्रभु बड़े हुए, महाप्रभु ने फिर संन्यास ले लिया, इसलिए महाप्रभु बोलते थे महाप्रभु जैसे अद्वैताचार्य मतलब महाप्रभु जो अंदर में प्रवेश करते थे, चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे, जब वो प्रवेश करते थे प्रवेश करते ही जो अद्वैताचार्य जो पढ़ाया करते थे अद्वैताचार्य उनको पढ़ाना बंद हो जाता था हैं, और अद्वैताचार्य जो कुछ व्याख्या करते थे केवल भक्ति व्याख्या करते थे, क्योंकि वो सदाशिव है, शंकर जी पंचमुख है, राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में क्या करते हैं भगवान की नाम करते हैं, इसलिए अद्वैताचार्य ही उसी समय एक व्यक्ति थे। इसलिए अद्वैताचार्य भी उसी समय एक व्यक्ति थे, हर शास्त्र का जो व्याख्या भक्ति पर करते थे, लेकिन जो दूसरे दूसरे पंडित लोग गीता भागवत पढ़ते तो थे लेकिन वो भक्ति पर कोई व्याख्या नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु के जितने भक्त थे सबके सब अद्वैताचार्य प्रभु का जो टोली था विद्या पाठशाला था, पाठशाला में वो सबके सब आकर के वहीं पर पढ़ते थे, और अद्वैताचार्य जो भक्ति पर व्याख्या करते थे सबके सब सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे। जब श्रीमद् महाप्रभु को सच्ची मैया बोलती थी बेटा जाओ खाना बन गया,
और वो घर के पास में था वो विद्यालय, बोले जा अपना भैया को बुला करके ले आओ, बड़े भैया को बुला करके ले आओ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते थे वो नंगे धड़ंगे एकदम छोटे बच्चे, पहले हम भी देखते थे गांव में ना, आज 10 साल के बच्चे को कपड़ा नहीं पहनते थे और वैसे नंगे में घूमते थे। इसलिए महाप्रभु जब नंगे धड़ंगे जब अंदर में प्रवेश करते थे और देखते थे अद्वैत आचार्य जी अब भक्ति परक व्याख्या कर रहे हैं, और वहां पर जो बैठे हुए कौन है, सबके सब महाप्रभु का भक्त लोग बैठे हुए, और इसको देख करके महाप्रभु इतने प्रसन्न इतने खुश होते थे, इसको सुन करके भक्ति परक व्याख्या, और मेरे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, मेरी ही चर्चा कर रहे हैं, मेरी कथा कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते ना मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान क्या कहते हैं, ना अहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, नहीं तो मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो, बोले एक जगह पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन मेरी कथा मेरे भजन करते हैं। पिछले महाप्रभु जो देखते थे वहां पर मेरे भक्त लोग बैठी करके बड़े सुंदर मेरी कथा को वहां पर बोल रहे हैं सुन रहे हैं, महाप्रभु प्रेम में गदगद हो जाते थे, खुश हो जाते थे। इसलिए भागवत में एक सुंदर कथा आई, भागवत में घर में एक कुंवारी लड़की थी, अभी कुंवारी लड़की को देखने के लिए कोई व्यक्ति देखने के लिए आए शादी के तैयारी के लिए, उस लड़की को देखने के लिए आए। लड़की ने देखा घर में कोई है नहीं, अभी उनको कुछ बना के खिलानी चाहिए, घर में कुछ है नहीं कैसे खिलाए, था धान, अभी धान से चावल निकालना पड़ेगा। उसने धान कुटना शुरू की लेकिन उसका हाथ में तो चूड़िया, अभी चूड़िया की आवाज होने लगी, हाँ झनझन आवाज हुई, अभी उसको शर्म लगा, भैया घर में देखने के लिए आए लड़की को, बोले कि घर इतने दरिद्र है घर में चावल तक भी नहीं, इसलिए और झनझन आवाज जो कूट रही थी आवाज आ रही थी, तब उसने एक एक दिन चूड़िया को उनने तोड़ना शुरू की, है तोड़ना शुरू की, तोड़ते तोड़ते जब एक चूड़िया रह गई ना तेरे झनझन आवाज बंद हो गई। यहाँ शिक्षा देते हैं भक्ति करने के लिए एकांतिकता का जरूरत है, अकेला जब तक नहीं रहोगे फिर तो झगड़ा होगा कि दूसरों को साथ में, फिर दूसरी शिक्षा दी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इतने सारे ब्रह्मचारी रह रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे ब्रह्मचारी रह रहे हैं, अब प्रभुपाद का समय तो 100-100 ब्रह्मचारी रहते थे, फिर ऐसे क्यों, फिर इतने ब्रह्मचारी पर रह कर क्यों भजन कर रहे हैं, वो तो शिक्षा देते हैं। अवधूत का 24 गुरु है ना, 24 गुरु में उन्होंने एक गुरु बनाया, क्या है वो कुंवारी से शिक्षा लिया, जब तक अकेले नहीं रहोगे तब तो लड़ाई झगड़ा होगी। फिर प्रभुपाद ने फिर भक्त लोग इतने फिर रहकर भक्ति कैसे क्यों कर रहे हैं, फिर उन्हें दूसरी शिक्षा दी, बहुत अच्छी बात बताई। हमारे देश में लड़की की जब शादी नहीं होती है वो लड़की केवल हाथ में एक चूड़िया पहनती है, हम अपना देश में एक चूड़िया ज़्यादा नहीं पहनती, लेकिन जो लड़की शादी होकर के जाती है पूरा हाथ में कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक चूड़िया पहनती है, देखे होगी ना, बोले फिर इतने चूड़िया क्यों पहनती है, कान में क्या, बोले कारण है वो जो पति, और हमारे देश में प्यार में नुपुर भी बनती है, लड़की जब शादी होती है शादी से पहले नुपुर नहीं पहनती है, शादी के बाद में नुपुर और यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहनती है। बोले क्यों, बोले जो अपना ससुर घर में जाती है और जब प्यार में नुपुर पहनने के लिए जब चलती है उसका छमछम छमछम आवाज होता है, जब घर की वो काम करे वहाँ कोई काम करे जो चूड़िया की झनझन झनझन आवाज होती है, और वो आवाज सुनकर के पति बड़ा खुश होता है, पति को कान में जब चूड़ियों की आवाज प्यार की नुपुरी की आवाज छमछम आवाज सुने उसको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा खुश होता है, हैं वो बड़ा प्रसन्न बड़े खुश होकर के उसको सुनता है। तो उसी तरह यहाँ पर कहते हैं मोबाइल बंद कर दो बाबा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब भक्त लोग बैठी करके भगवान के, जब भक्त लोग बैठी करके मेरी कीर्तन करे मेरी कथा करे, जब इन कथा को मैं सुनता हूँ मेरा हृदय भर जाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए जब श्री महाप्रभु जाते थे जब अद्वैत आचार्य वहां पर पाठशाला में,
जब हरि कथा बोलते थे और देखते थे मेरे भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी कथा कर रहे हैं, मेरी कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न, इतने खुश हो जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे। खुश होकर के जब महाप्रभु उनको कपड़े पकड़ कर बोलते थे, क्या बोलते थे, भैया बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। लेकिन अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य ये सदा है, वो साधारण नहीं, वो सदा से भी महाविष्णु है, महाविष्णु। लेकिन जब महाप्रभु को दर्शन करते थे उनको बोलती बंद हो जाती थी, उनको मुंह बंद हो जाता था, वो कथा करना भूल जाते थे। महाप्रभु को एकदम टकटक लगा करके देखना शुरू कर लेती थी, बच्चा कौन है? वो अंदर में आते ही मैं इतने इसको प्रति इतने आकर्षित क्यों होता हूँ कि वो सदा से महाविष्णु और साधारण व्यक्ति के ऊपर में आकर्षण होने वाले नहीं नहीं। इसलिए वो कभी कभी सोचते थे, भैया हो ना हो ये तो मेरे वही प्रभु तो है नहीं, जिनके लिए मैंने इतने कष्ट परिश्रम किया, इतने तपस्या किया, वो तो वही नहीं। फिर महाप्रभु क्या बोलते थे, बोले तुमने मेरे को बुलाया, मैं कहा खीर समुद्र में सो रहा था है, इसलिए सुतिया अचिन खीरा समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलंबर नड़ा रोंखारे। इसलिए महापुरुष को नड़ा 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 मतलब क्या, हिला देना, ये बंगला में नड़ा कहते हैं, बोले हिला देना, मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था, आनंद से सो रहा था, और तुमने ऐसे मेरे को पुकारा और मेरा आसन तुमने हिला दिया, तेरे वजह से मैंने इसी जगत में आया हूँ, हाँ तेरे वजह से। वो भजन गाते है ना, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्यनिताई। इसलिए तब कृपा बले पाई चैतन्यनिताई, किसकी कृपा से हम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्राप्त किया, वैसे अद्वैत आचार्य की कृपा से। अगर ये नहीं होता है ना, हम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते थे। बोले बुलाया तुमने वहां से, मैंने वहां से आया और तू टकटकीला अगर देख रहे हो, पहचान नहीं रहा मैं कौन हूं। इसलिए पूजा हो रही है, अभिषेक कर दीजिए, अभिषेक कर दो, आगे अभिषेक कर दो, प्रभु कर स्नान करा कर खाओ। इसलिए अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु बोलते थे, अभी नहीं पहचान रहे हो, तेरे वजह से तो मैंने आया हूँ और मैं तो टैक्टिक ले अगर देख रहे हो, हाँ कुछ दिन रुक जा फिर बताऊंगा तेरे को, कुछ दिन रुक जा तेरे को फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। इसलिए महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी को इस बात इशारा इशारे में ये सब कहा करते थे। और कुछ बोलो, हो गया हमारी जीत हो गई। ओम ज्ञान तिमिरस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अयत्व की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने वैष्णव लोग वैष्णवी माताएं दीदी लोग सभी आयु के चरणों में अथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज अद्वैत आचार्य प्रभु की आविर्भाव तिथि है, जैसे कि प्रभु जी ने बताया पहले, जब चैतन्य महाप्रभु आते तो अकेले नहीं आते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सुख पार्षद सुभ्यधा सह अवतरी। और महाप्रभु जगत में आते हैं तो पहले धाम को, अपने गुरुजनों को, माता पिता को,
और अपने परिकरों को भक्तों को लेकर आते तो उसमें 5 रुपए में महाप्रभु विलास करते नवदीप धाम में। जैसे कि अभी बताया इन्होंने पंच तत्वात्म कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्ति का। और जब तक महाप्रभु कृपा कब आएंगे, जैसे कि महाराज जी बता रहे थे दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा वल्ले पाई चैतन्य नित्य। पहले अद्वैत आचार्य कृपा होगी तब जाके चैतन्य और महाप्रभु की नित्यत्व कृपा होगी। और तिथि भी ऐसी आ रही है, पहले अद्वैत सप्तमी, फिर 2-4 दिन बाद नित्यं त्रयोदशी और फिर महाप्रभु का गौर पूर्णिमा। तो ऐसे ही क्रम भी ऐसे ही है। तो अद्वैत आचार्य के बारे में हम सुन रहे थे, बड़ी ही गूढ़ गूढ़ शिक्षाएं हमारे लिए। वैष्णव का जो चरित्र होता है और वैष्णव का भगवान का चरित्र होता है अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं। तो इसमें इनकी अद्भुत अद्भुत ऐश्वर्य की बात है। अभी तो तत्व की दृष्टि से हमारे प्रभु जी बता रहे थे वो क्या है, निमित्त और उपादान कारण। सृष्टि के उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही हुए, उनके अवतार अद्वैत आचार्य हैं। और इन्होंने लीला करके भी बहुत सारी वस्तु को हमें जगत में दिखाया कि कैसे भक्तों का चरित्र होना चाहिए। इनकी बहुत सारी कथाएं, 2 मूल शिक्षा कराते थे हम लोग सुनेंगे। नंबर 1 अद्वैत आचार्य इतने दया में, अभी कीर्तन सुन रहे थे उनका, वो हमारे के लिए महापुर को लेकर गंगा जल और तुलसी को लेकर उन्होंने आर्त के साथ, जैसे बता रहे थे ना गंगा जल तुलसी रोज देते हम, भगवान सुनते नहीं, परंतु के आर्त के साथ आंखों में आंसू को लेकर रो रो कर भगवान को पुकारा और भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराया। जब महाप्रभु जगत में आए, अद्वैत आचार्य इतने दया में होने पर भी महाप्रभु ने जब आए सबके ऊपर कृपा करी, बस एक किसके ऊपर कृपा नहीं की, सची मैया श्रीवास आंगन में महाप्रभु प्रेम दाता होकर सभी को प्रेम वितरण कर रहे हैं। और उनकी माँ सची मैया जगत जननी और करुणा की सागर तो दयालु है, उन्हीं के ऊपर कृपा नहीं कर रहे महाप्रभु, सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तब सची मैया ने कहा कि मेरे पर कृपा नहीं, आप सब पे कृपा कर रहे हैं। तब कह रहे सची मैया पे, सभी भक्त लोग कहने लगे मैया को आप दर्शन नहीं दे रहे, मैया पे कृपा नहीं कर रहे। बोले मैया पे कृपा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इनका वैष्णव अपराध हुआ है। महाप्रभु देखो सब पे कृपा कर सकते हैं, परंतु महाप्रभु भी वैष्णव अपराध जब होता है वहां महाप्रभु भी कृपा नहीं करते। नित्य जब जगाई बधाई का जो अपराध हुआ तो महाप्रभु ने कृपा नहीं की, नित्य उन्होंने क्षमा किया फिर कृपा हुई। तो उन्होंने कहा कि जो वैष्णव अपराध क्या हुआ है कि इन्होंने अद्वैत आचार्य जो बहुत बड़े दया के सागर है, सारे जगत पे दया करते भक्ति का प्रचार करते, इन्होंने क्या किया, इनके सची मैया ने क्या बोला, द्वैत। द्वैत क्यों बोला बता रहे थे अभी, जो वो विश्वरूप उनकी कथा को सुनकर वो कथा करते थे अद्वैत आचार्य, जो भी कथा सुनता था वो संसार को छोड़कर भक्ति में भगवान के चरणों में जाता था, विश्वरूप चले गए संन्यास लेके इनकी कथा को सुनकर। तो सची मैया के तो 2 बेटे हैं, तो जब महाप्रभु छोटे बच्चे जाने लगे तो उनको रोक जाने से भी रोक दिया पढ़ाई में कि वहां पर मत जाओ, पर महाप्रभु तो लीलाधारी है, उन्होंने ऐसी लीला की दत्तात्रेय जी कुछ वहां जाके बैठ गए बर्तनों के ऊपर बीटे और फोड़ने लगे, मैया बोलिए क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँगा, फिर ऐसे ऐसे कर गए। फिर बाद में आके मैया ने पढ़ाई करानी पड़ी, परंतु क्या हुआ जब सची मैया ने क्या किया, उनको बोला तुम अद्वैत नहीं तुम द्वैत हो। अद्वैत माने अद्वैत माने जिसके किसी एक अर्थ है जिसका किसी का द्वैत ना हो, और द्वैत माने जिसका जो द्वैत करते, तुमने क्या किया मेरे को, मेरा पुत्र विश्वरूप छीन लिया, बस इतना ही बोला था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला। पर महाप्रभु कैसे देखो एक एक बात अंतर्यामी है ना, महाप्रभु एक एक बात को हृदय में रखते हैं। तो अद्वैत जब पता लगा सची मैया का अपराध हुआ है, सची मैया को बोला कैसे अपराध नष्ट हो, कैसे महाप्रभु कृपा करेंगे, बोले कि तुम अद्वैत जिसके चरणों में अपराध हुआ उसी से क्षमा मांगो। तो अद्वैत आचार्य के चरणों में जब क्षमा मांगने गई सची मैया, तो अद्वैत आचार्य उनको चरणों में पकड़ पड़ गई, गले तुम तो जगत जननी हो, तुम्हारे चरणों में क्या अपराध, तुम मेरे को ही क्षमा कर दो। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बोले, महाप्रभु को प्रार्थना करने लगे इन पर कृपा करो। फिर सची मैया महाप्रभु ने अपनी मैया के ऊपर भी कृपा की। दूसरा एक बहुत बड़ी शिक्षा है, अद्वैत आचार्य है जो वैष्णव को प्रसाद के लिए नाम आचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाते थे श्राद्ध के लिए, तो वो का नीचे जाति में उनका जन्म हुआ, वो ब्रह्मा जी के अवतार है और वो स्वयं मुस्लिम कुल में उनका जन्म हुआ।
तो हरिदास ठाकुर को जब बुलाते थे सब लोग कहते थे, अद्वैत आचार्य आप इतने शिक्षक हैं, आप विष्णु का वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, आप इतने हरिदास ठाकुर को बुलाते जो मुस्लिम कुल में जन्म लिया है, तो वो किसी की परवाह नहीं करते थे। भक्ति जगत में बुलाए जो सत नीति मार्ग पे चलना है, जो सत मार्ग पे चलते और भक्ति पे जो चलने वाले, उनको लौकिक जगत के जो वचनों की कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते पूज्य बात भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, तो जगत के लोग जो कहते हैं ना, जो अज्ञानी है मूर्ख है, उनकी बातों को मत सुनो। जो गुरुवर कहते हैं, महाजन कहते हैं, उनकी बातों को सुनो। अगर बहुत संसार के बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा भी करें कोई वैल्यू नहीं है, और बहुत सारे लोग आपकी निंदा करें तब भी कोई वैल्यू नहीं है, पर जो वैष्णव लोग हैं, गुरु हैं, अगर आपकी प्रशंसा करें तब भी उसका महत्व है, और आपकी निंदा करें तब भी महत्व है, उसको आपको डांट रहे कुछ ना कुछ उपकार करेंगे। तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उनकी महिमा होती है। तो ऐसे ही अद्वैत आचार्य ने किसी जगत की परवाह नहीं की, बोले हरिदास ठाकुर को प्रसाद कराना, लाख लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का मेरे को, मैं जानता हूँ कौन 3 लाख हरिनाम करते, निरंतर कृष्ण नाम उनके स्फुरित होता है, तो एक व्यक्ति को भोजन करा दिया तो ब्राह्मण भोजन तुम्हारे खावा इले है कुटी ब्राह्मण भोजन एक करोड़ अगर तुम हरिदास ठाकुर को खिला दिया तो 1 करोड़ ब्राह्मणों का फल मिला। ऐसी निष्ठा है कि हम ब्राह्मणों को ढूंढने जाते हैं ब्राह्मणों को खिलाएंगे, पर वैष्णव की महिमा क्या है, जो नामधारी वैष्णव है उनकी एक वैष्णव को प्रसाद करा दो, कोटि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मिलना मुश्किल है जगत में शुद्ध ब्राह्मण, पर कोटि ब्राह्मणों को एक वैष्णव का फल है। तो अद्वैत किसी चीज की उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने ये करके दिखाया। और बाद में महाप्रभु के इतने प्रिय थे, हर लीला में महाप्रभु के साथ, जगन्नाथ रथ यात्रा में एक टोली होती, 7 टोली होती थी जैसे बताते थे, एक अद्वैत आचार्य की टोली आती थी, उसमें अद्वैत आचार्य मुख्य नृत्यकारी, और जो बहुत सुंदर नृत्य करते थे, सुरु दामोदर गाते थे और हरिदास अद्वैत आचार्य नृत्य करते थे, और गुंडीचा मंदिर महाजन में भी अद्वैत आचार्य आगे रहते थे, और जो जल केली लीला में नरेंद्र सरोवर उसमें भी अद्वैत आचार्य सामने रहते थे। महाप्रभु ने एक बार इनके लिए वचन बोले, बड़े ही मधुर वचन बोले कि अद्वैत तुम मेरे बड़े प्रिय हो, तुमने मेरे लिए क्या किया, सब आसक्ति छोड़कर तुम मेरे पास इतना कष्ट करके आते हो, कहाँ से नवदीप नाम से शांतिपुर से आते हो और सब भक्तों को लेके आते हो, और मेरे को यहाँ पर मेरे लिए, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता, नीलाचल में रहता हूँ और कोई कष्ट भी नहीं करता, पर तुम मेरे लिए कितना कष्ट करके जगन्नाथ जी की सेवा में कितने भक्तों को लेके आते हो, और इतना ही नहीं उनकी पत्नी सीता देवी, उनका बच्चा अच्युत, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं उनके बच्चे की भी। एक बार क्या हुआ, बच्चा जो अच्युत उनका बच्चा था, 3 उनकी 2 प्रकार की संतान, एक सारग्राही एक असारग्राही। सारग्राही में जो महाप्रभु नीता अद्वैत तीनों को मानते थे, सारग्राही जो सिर्फ अद्वैत आचार्य को मानते थे, महाप्रभु को नहीं मानते थे, उसे असार बोला। तो उनकी जो एक संतान थी वो कीर्तन में क्या मूर्छित हो गए, तो अद्वैत आचार्य ने उनको नृसिंह का कीर्तन करने लगे और बहुत जोरों से कीर्तन पे वो गोपाल उनकी एक का नाम था गोपाल, एक का नाम अच्युतानंद, तो वो जीवित नहीं हो रहे, पर महाप्रभु आए और बड़े चिंतित थे, बोले गोपाल उठो उठो हरि बोलो, गोपाल हरि बोलो, ऐसे गोपाल उठ गए और एकदम से कीर्तन करने लगे। तो महाप्रभु उनको इतना प्रिय करते थे बताते थे ना, परंतु अद्वैत आचार्य क्या है, महापुरुष से बहुत पहले आए, लगभग 30-40 साल 50 साल पहले आए महापुरुष से, और महापुरुष के जाने के बाद अद्वैत आचार्य गए जैसे कि वो बता रहे थे, परंतु महापुरुष स्वयं ईश्वर है, अद्वैत आचार्य उनके भक्त हैं, भगवान के अंश के उनके भक्त हैं, तो अद्वैत आचार्य को गुरु की तुल्य पूजा करते थे, पर अद्वैत आचार्य क्या कहते थे, नहीं मैं कब आएगा महापुरुष शासन करेंगे, जो भक्त होते हैं ना उसे गुरु हम पे शासन करें, प्रेम करें, जो श्रेष्ठ भक्त आपको प्रणाम करेंगे ना, आप प्रणाम करो किसी को, और आपको प्रणाम करें बड़ा दुख लगता है ना, दुख लगता है, तो इनको भी बड़ा दुख लगता है कि महाप्रभु मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को आदर करते हैं, कब ऐसा आएगा वो स्नेह करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, वो जानकर भक्त लोग जानते हैं भगवान को कैसे वशीभूत करना है, कैसे उनकी सेवा लेनी है, कैसे सेवा करनी है, शांतिपुर में एक दिन महाप्रभु को प्रिय है भक्ति, सबसे प्रिय भक्ति का प्रचार करने के लिए वो आए। एक दिन अद्वैत आचार्य लीला की शांतिपुर में जाके भक्ति के विरुद्ध में कहते हैं जीवन का सार क्या, ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करो फिर मोक्ष को प्रदान करो, मोक्ष को प्राप्त करो, यही सारे शास्त्रों का सार है। स्वयं
स्वयं जगत में आए भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्ति देने के लिए, महाप्रभु को भक्ति के विस्तार करने के लिए और स्वयं प्रचार करने, महाप्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु कोई मायावाद को और भगवान की सेवा के विरुद्ध कोई प्रचार करे उसको महाप्रभु कभी सहन नहीं करेंगे। एकदम महाप्रभु आए और इनके गले को पकड़ लिया और इनको पीठ में मारने लगे, बहुत जोर की मारने लगे। अद्वैत आचार्य बड़े खुश हो गए और बोलने लगे, इस लीला को हर कोई व्यक्ति बताया भक्ति सिद्धार्थ कृपा जी ने, इस लीला को हर कोई नहीं समझ सकता। पर अद्वैत आचार्य नाचने लगे, जब नाचने लगे तो कहते प्रभु आज मेरी इच्छा को आपने पूर्ण कर दिया। तो अद्वैत आचार्य समझे कि ये क्या है, महाप्रभु समझ गए अद्वैत आचार्य की इच्छा ये। तो महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत तुम मेरे लिए इतने प्रिय हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए महापुरुष स्वयं इनके प्रिय हरिदास ठाकुर भी जो भी कोई बात होती थी अद्वैत आचार्य से जाके बात करते थे। और अद्वैत आचार्य इतने दयालु हैं, उन्होंने महापुरुष को हमारे लिए लाया शांतिपुर धाम में और नित्यानंद गुरु के और अद्वैत आचार्य बैठ के मीटिंग कर देते जगत जीव का उद्धार कैसे होगा। और नित्यानंद अष्टम क्या तीसरा श्लोक है ना कि नित्यानंद गुरु क्या कर रहे हैं, जो एक बार भी नाम लेगा कैसे महाप्रभु के साथ बात करें महाप्रभु कि जगत में जीव का कल्याण कैसे होगा। जीव तो विषय ही है, विमुख हो गया, भगवान को जानते नहीं, सब अंध हो चुके हैं, तो कैसे कल्याण होगा। अद्वैत आचार्य के साथ ही मीटिंग करते हैं शांतिपुर धाम में और शांतिपुर में बहुत सुंदर इन्होंने भोजन महाप्रभु को भी भोजन कराया। एक दिन इनकी इच्छा हुई महाप्रभु मेरे घर आए, अकेले उनको भोजन कराऊंगा। बहुत सारे वैष्णव को भोजन करा देते हैं तो समय नहीं मिलता था महाप्रभु के साथ भोजन करने का, महाप्रभु की सेवा करने का। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु को बुलाया कि मैं महाप्रभु के साथ उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहता हूँ, है ना। मैं एक कीर्तन है हरी पूरी पूरी में रहते हुए जो महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, महाप्रभु कभी अकेले नहीं आते थे, महाप्रभु पूरा भक्त लोगों को महाप्रभु कभी अकेले नहीं आते थे, महाप्रभु सब भक्त लोगों को लेकर आते थे। और महाप्रभु सन्यासी है, इसलिए सन्यासी होने का नाते इसलिए बोले महाप्रभु जगत में आए क्यों, इसमें एक कारण बताए, साधु पावा कष्ट बड़ा जीवर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आया न दिया। महाप्रभु क्यों आए, कारण क्या, बोले कारण ही जगत में साधु बड़ा दुर्लभ है, जगत में संत बड़ा दुर्लभ है जगत में, इसलिए महाप्रभु एक संत का रूप धारण करते हुए, महाप्रभु स्वयं सन्यासी ग्रहण करते हुए उन्होंने जगत जीव को उन्होंने दिखाए सन्यास का आदर्श कैसे होता है। इसलिए जब महाप्रभु का निमंत्रण देते थे महाप्रभु क्या बोलते थे, बोले मुझे तो चावल और लाफड़ा समझते ही नहीं, लाफड़ा जो गड्ढे का सब्जी जो मिक्स भेज है, कहते मेरे को तो केवल चावल और थोड़ा मिक्स सब्जी भेज दे दो, लाफड़ा दे दो, और जो मेरे भक्त है ना, मेरे भक्तों को पिठा पाना जानते हो नहीं, ये बंगाल में होता है, उधर बंगाल में होता है, जो बंगाली उनको ही पता है, बंगाली को इसलिए उनको पता है बंगाल में, कहते जो बढ़िया बढ़िया जो खाना है ना ये सब मेरे भक्तों को खिलाओ, और मेरे को तो केवल बस थोड़ी सी चावल और गड्ढे का सब्जी दे दो। इसलिए महाप्रभु खुद बढ़िया नहीं खाते थे, भक्तों को खिला देते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य उनको तो पता है महाप्रभु कौन, ये स्वयं जगन्नाथ, ये स्वयं कृष्ण है। होने का नाते अद्वैत आचार्य चाहते थे महाप्रभु में जी भर कर खिलाओ, क्योंकि उस कृष्ण तो सर्व कारण का कारण तो वही है, जगत का मालिक तो वही है, और वो बनाते हैं उन्हीं के लिए, लेकिन महाप्रभु खाते नहीं, भक्तों को पिला देते हैं। एक दिन इनके मन में इच्छा हुई, मैं आज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाना चाहता हूँ, छप्पन भोग 36 व्यंजन, और महाप्रभु को बैठा करके प्रेम से खिलाना चाहता हूँ। अब मैंने सोच रहे आज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना रहे, सोच रहे क्या आज महाप्रभु मेरी इच्छा को पूरी करेंगे, ये मन में सोच रहे हैं, और उसे ही बनाते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, अभी महाप्रभु इनकी अद्वैत आचार्य की भावना को समझ गए, वो चाह रहे आज मेरे को अकेला बैठा करके और बढ़िया बढ़िया उन्होंने प्रसाद बनाए,
इतने में क्या हुआ, महाप्रभु जो भक्तों को साथ में समुद्र में स्नान करने के लिए गए ना, अभी इंद्र इंद्र की थोड़ी इच्छा हुई मैं भी थोड़ा प्रभु को सेवा कर दूं। महाप्रभु स्नान करके जब आने वाले थे, इंद्र ने ऐसे आंधी तूफान, इंद्र कौन है, स्वर्ग का राजा, लेकिन अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु ने, ये सदा शीत है, जिनकी इच्छा मत भयात बातिवा त्वयम सूर्य तपत मत भयात, विश्व ब्रह्मांड जिनके सारे निर्देश को, विश्व ब्रह्मांड जिनके सारे निर्देश को पालन करता है, अभी इनकी इच्छा पूरी करने के लिए अद्वैत आचार्य की इंद्र ने ऐसे आंधी तूफान आने लग गया, इतने तेजी से आंधी तूफान, कौन कहां गया इसको, है कोई इसको देख नहीं पा रहे थे। इतने में महाप्रभु हरे करते अकेले ही, कोई नहीं, अकेले ही आगे अद्वैत आचार्य जो के घर में, और अद्वैत आचार्य देखकर अक्के भक्ति चक्के हो गए, मैं तो यही चाह रहा था, आज महाप्रभु को बैठा करके मैं जी भर करके खिलाना चाह रहा था। तब उन्होंने महाप्रभु को बैठा करके केले के पत्ते के ऊपर, पत्ते में बंगाल केले का पत्ता शुद्ध होता है, बैठा करके जी भर करके हैं सब उन्होंने महाप्रभु भोग लगाया ना महाप्रभु को, महाप्रभु इतना खाना क्यों दे रहे हो, वो बहुत सारे खाना बनाया था ना, इतने क्यों दे रहे हो। तब इतने में अद्वैत आचार्य सब जानते हैं महाप्रभु कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, वो जानते हैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। बोले प्रभु जगन्नाथ मंदिर में बैठ कर कितना खाना खाते हो, जगन्नाथ पूरी गए और कौन-कौन पूरी गए, वह कितने पता नहीं कितने, पृथ्वी का सबसे बड़ा होटल बताया, कितने क्विंटल चावल भोग लगता है, हैं कितने दाल सब्जियां देखे गए होंगे ना, हजार हजार लोग आके वहाँ प्रसाद चाहते हैं। बोले मंदिर में बैठने के लिए इतना भोजन करते हो और यहाँ पर तो थोड़ी सी बड़ी तू है, यहाँ थोड़ी सी, इसलिए प्रभु जी भर कर खाओ। उन्होंने अद्वैत आचार्य ने उन्होंने पूरा उन्होंने जी भर करके उन्होंने श्री महाप्रभु को उनको भोजन कराया। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने बहु रूप में महाप्रभु को उन्होंने सेवा की है, उनको सारे भक्त लोगों को तो सोच रहा था बोलूंगा, सब बोल दिए सबके सब, एक दो बात बोल देता हूँ यहाँ पर। जब श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु से पहले जब उन्होंने आए और आप लोगों ने श्रवण किया है, उन्होंने जब जगत का दुर्दशा को उन्होंने जब देखा, कुत्ता कुत्तियों को कैसे शादी, बिल्ला बिल्ली को शादी, देवी पूजा में जो करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे थे, जिसको देख कर तो अद्वैत आचार्य तो दुखी हो गए। अगर कोई गीता भागवत पढ़ते भी है लेकिन केवल तर्क वितर्क करते हैं, कोई भक्ति की बात करते नहीं, ये चीज को देख करके अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हुए। अभी प्रश्न है ये दुखी क्यों हुए, ये दुखी क्यों हुए, बोले कारण है ये सदाशी है महाविष्णु, ये कौन है जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है, कहते माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर, जब ये माया को दृष्टि करते हैं ना, ये माया अनंत कोटि ब्रह्मांड को ये माया सृष्टि करती है, इसलिए एक तरह का जगत का ये करता है। जैसे आप बच्चे को जन्म दो, अगर आप देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप दुखी होगा ना सुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे ना, बच्चे बिगड़ते हुए देखोगे दुखी हो जाओगे, इतना कष्ट करके जन्म दिया, लालन पालन किया और नालायक बन जा रहा है, नालायक बनते जा रहे हैं। बच्चे अगर सुखी हो तो पिता माता सुखी, बच्चे अगर दुखी हो तो पिता माता दुखी, वो जगत करता है। उन्होंने जब देखा हम ये जीवन भगवान दिया क्यों, ये जीवन पाने का उद्देश्य क्या है, केवल एक उद्देश्य है, आए थे हरि भजन को होटल लगी कपा, आए थे हरि भजन को, ये जीवन का एक उद्देश्य हरि भजन करना ही जीवन का एक ही लक्ष्य है।
लेकिन जब देखा हरि भक्ति से कोई कर नहीं रहे हैं और उल्टा पुल्टा काम में जीवन को बिता रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी हो गए। बड़े दुखी होकर के अभी दुखी होकर के कभी कभी था कहते ये महाविष्णु धर्म क्या है, कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन। कलियुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम कर सकता है हरिनाम संकीर्तन प्रचार, लेकिन वो सोच रहे हैं लेकिन ये जो कलियुग है ना, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, ये कौन सा कलियुग है, कहते हैं धन्य कलियुग है। इसलिए कहते हैं ना के जावि के जावि रे भाई भाव सिंधु पार, धन्य कलियुग रचई तन्न अवतार, साधारण कलियुग नहीं ये धन्य कलियुग है। ये धन्य कलियुग में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्रीमन महाप्रभु आते हैं। हर कलियुग में महाप्रभु नहीं आते हैं। कितने कलियुग के बाद में आए जानते हो, सत्य त्रेतय द्वापर कली। कलियुग का ब्रह्मा कितना है, 4,32,000। द्वापर युग का 2 गुना कर लो, त्रेतय युग को 3 लाख कर लो, सत्य युग को 4 गुना कर लो। चीज को समझो अच्छे तरह से, तब इसको एक चतुर्युग कहते हैं। और महाप्रभु कितने चतुर्युग के बाद में आते हैं, 1,000। आप सोच नहीं सकते, चीज को समझो, आप सोच नहीं सकते महाप्रभु कितने दिनों के बाद में महाप्रभु आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में बाद में आते हैं, हैं? और जो बाद में आते हैं आ करके फिर वो क्या प्रदान करते हैं, कहते ब्रह्मा विरिचिर वाचित जे प्रेम जगत फैली ल ढाली टांगा ले पाईया खाई ल नाचिया बाजाया करतर। वो कौन सा प्रेम को देते हैं, बोले ब्रह्मा उद्धव नारद शंकर लक्ष्मी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, जो प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो ब्रज प्रेम को, राधा रानी की निकुंज सेवा को जो देते हैं ना, वो चीज सबको प्राप्त नहीं होता है। बड़े सब इसलिए एक बार आ करके वो दुर्लभ प्रेम को एक बार आ करके देते हैं। इसलिए श्री श्रीमद् भागवत में बताए सत्य त्रेतय द्वापर युग, सत्य युग को कृत युग कहते हैं क्योंकि धर्म चार चरण में रहता था, सबका जीवन धन्य धन्य था। त्रेतय युग को राम राज्य कहते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं, कोई दुखी नहीं रहते थे, भगवान पशु पक्षियों का भाषा भी समझते थे। त्रेतय युग में कोई दुखी नहीं रहता, बोले राम राज्य। द्वापर युग में कृष्ण आए, कौन है ये, स्वयं परम परम परात्पर तत्व है, धर्म भी चार चरण में रहता था धर्म, क्यों कृष्ण आए। ये युग की बड़ी महिमा, कलि युग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते थे, क्यों ये जो कलि युग है झगड़ा अशांति दुख कष्ट है, लेकिन ये कलि युग में सत्य त्रेतय द्वापर युग का लोग स्वर्ग के देवता कहते बड़े बड़े महापुरुष भी, कहते बड़े बड़े महापुरुष भी ये कलियुग में जन्म लेना चाहते, क्यों महाप्रभु धारा में आने के लिए, महाप्रभु का आनुगत्य में आकर के भक्ति करने के लिए। बोले क्यों, बोले राधा रानी की निकुंज सेवा केवल इसी अवतार में देंगी, इसी अवतार में देंगी। इसलिए अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन तो मैं प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आएंगे ना कलियुग में, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये काम तो मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। एक श्री चैतन्य महाप्रभु कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम मेरे द्वारा नहीं होगा। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने क्या किया, वास गंगा जल शास्त्र को ढूंढा, ऐसे कौन सा उपाय है भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट हो। जब देखा अगर कोई गंगा पानी एक हाथ में गंडुस गंगा पानी और सबसे तुलसी दे करके अगर कोई भगवान को अर्पण करे ना, भगवान उसकी ऋणी चुकाने के लिए सर खुजलाते। हम कब सर खुजलाते, जो ज्यादा ऋणी हो जाए ना, वो ऋणी कैसे हम चुकाएंगे। इसलिए भगवान ये दो चीज में बिक जाते हैं, इसलिए उन्होंने वो दो चीज को दे करके उन्होंने भगवान को पुकारे और भगवान कहते हैं
सुतिया आचिनु खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग है लमर नारार हुंकारे। इसलिए मैं सो रहा था और अद्वैत आचार्य ऐसे उन्होंने हुंकार ऐसे बुलाया मैंने अपना गोलोक वृंदावन छोड़ करके इस जगत में आ गया। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जोर से बोलो बोले श्री अद्वैत आचार्य की जय। इसलिए उन्होंने बच्चा ने एक बात बता रहे थे कहते श्री इनके जो पिताजी थे हैं क्या था पिताजी का नाम कुबेर जी। ये राजपुर रहते थे इतने राजपुर रहते थे ये रोज जाते थे। जब एक दिन इनके पिताजी को साथ में गए वहां पर राजा दरबार में वहां पर आया था माता देवी मंदिर में जो राजा थे शाक्त थे और सारा दुनिया आकर के माँ देवी को प्रणाम कर रहे थे। लेकिन सबके सब तो प्रणाम कर रहे थे लेकिन जो कमला के था ना छोटा बच्चा था वो अकड़ कर खड़ा हुआ वो प्रणाम नहीं कर रहा था। इतने में राजा ने कहा उनको पिताजी को बोले देखो सबके सब माता देवी को प्रणाम कर रहे तो तेरा बच्चा छोटा सा वो अकड़ जैसे खड़ा हुआ प्रणाम नहीं कर रहा है। तब इनको पिताजी ने कहा कमलाख्य तो प्रणाम करो बेटा माँ देवी को प्रणाम करो। इतने में कमलाख्य बोले पिताजी मेरी जो प्रणाम है ना ये देवी सहन नहीं कर सकती अगर मैं प्रणाम करूंगा ना एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इतने में राजा ने बोले कि बड़ा हाँ बड़ा अभिमानी है कहते माँ देवी प्रणाम स्वीकार नहीं करता और कस नहीं सकती और प्रणाम करेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब प्रणाम करो हम देखना चाहते कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो प्रणाम करो। जब उन्होंने माता देवी को प्रणाम किया ना वो प्रणाम करते ही जो माता देवी थी एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए वहां पर है टुकड़े टुकड़े हो गए। सब लोग देख करके बड़े आश्चर्य क्या है क्योंकि जो देवी सत्य कमला के कौन है कहते महाविष्णु ने कहते देवी कौन है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति थी इनके बहिरंगा शक्ति है इसलिए जो बहिरंगा शक्ति ये पति की प्रणाम को ये ग्रहण कैसे कर सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति क्या है पत्नी पति का चरण छूती है प्यार धोती है चरणा मृत लेती है पत्नी पति की सेवा करती है पति थोड़ी पत्नी के चरण में गिरती है और ये बहिरंगा शक्ति है ना इसलिए ये सदा शिवी महाविष्णु है इसलिए उनको ग्रहण नहीं कर सकी। कहते जब श्रीमान महाप्रभु ने अपना आत्म प्रकाश किया विष्णु की खटिया पर बैठ गए महाप्रभु बैठ करके एक एक भक्तों को बुला रहे थे हैं और उनकी अभीष्ट इच्छाओं को पूरी कर रहे थे। पूरी करते करते महाप्रभु बोल रहे थे सबके सब ये नाड़ा कहाँ है नाड़ा कहाँ है नाड़ा कहाँ है सबके सब बोल रहे थे भैया ये नाड़ा नाड़ा करके क्यों बोल रहे हैं क्या बात है नाड़ा कौन है नाड़ा कौन है। सब भक्तों ने पूछे प्रभु आप नाड़ा नाड़ा किसको बोल रहे हो तो महाप्रभु बोले हैं सुतिया आचिन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलम और नाड़ा रुंकारे मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था हाँ उसने ही मेरे को पुकारा ऐसे मेरा आसन नाड़ा मतलब हिलाना है नाड़ा मतलब होता है हिलाना उसने मेरे आसन को हिला दिया था। बोले कौन है बोले अद्वैत आचार्य जाओ उसको बुला करके अद्वैत आचार्य को बुला करके लाओ। इतने में उन्होंने एक भक्त रामायण पंडित है तब उनको भेज जाओ महाप्रभु बोल रहे अद्वैत आचार्य को बुला करके लाओ और वो भागते 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 गए जा करके बोले हे अद्वैत आचार्य तुमने जो इतने तपस्या की इतने परिश्रम की कठोर तुमने भक्ति की भगवान को लाने के लिए वो भगवान अभी अवतीर्ण हो गए वो भगवान अभी अवतीर्ण हो गए श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए महाप्रभु तुम्हें बुला रहे। सुन करके अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए बोले मेरे बुलाना मेरे तपस्या आज मेरी सार्थकता हो गया मेरे प्रभु जगत में आए। तब उन्होंने अपना पत्नी सीता देवी को साथ में उन्होंने सुंदर सुंदर फूल अगुर चंदन कर्पूर पंचामृत तुलसी हैं जैसे ठाकुर जी का आरती उतारते हैं ना वो सारे सामग्री को इकट्ठे किए इकट्ठे करके बोले तुम जाओ मैं अभी अभी आ रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया परीक्षा करने के लिए क्या सचमुच से मेरे प्रभु है अगर ये सचमुच से मेरे प्रभु है तो मेरे को पहचान जाएगी। इसलिए उन्होंने आए तो थोड़ी दूर आकर के नंदन आचार्य उनके घर में छूट गए देखता हूँ सचमुच मेरे प्रभु हो गए तो मेरे को
पहचान जाएंगे, मेरे को बुलाएंगे। और उन्हें छुप गए, उस घर में आए नहीं। जब नहीं आए, इतने में महाप्रभु फिर बोले, हैं, फिर निमाई उसको बोले, बोले देखो रामाई पंडित को बोले, अद्वैत आचार्य मेरे को परीक्षा करने के लिए नंदन आचार्य घर में छुप करके बैठा है, जाओ उसको लेकर के आ जाओ। बोले महाप्रभु बुला रहे हैं। फिर उन्होंने भागते भागते आए, बोले महाप्रभु पहचान गए तुम नंदन आचार्य घर में छुप करके बैठे हो, मेरे को भेजे चलो। फिर उन्होंने अद्वैत आचार्य अपना पत्नी को साथ में आए और श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने पंचामृत से चरण गोद धोए, चरणामृत लिए, महाप्रभु का आरती उतारे, पूजा करके बोले नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्रह्मण हिताय च, जगत हिताय श्री कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। फिर महाप्रभु को जो प्रणाम है ये कृष्ण के लिए प्रणाम, बोले नमो ब्रह्मण देवाय, जो ब्राह्मण का देवता, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण को हित करने वाले, जगत हिताय श्री कृष्णाय, जगत को कल्याण करने वाले कौन है, गोविंद श्री कृष्ण है। फिर उसी मंत्र से उन्होंने महाप्रभु के चरण की उन्होंने वंदना की। तो महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य मेरे से परमागो, बोलो क्या चाहते हो, देखो उन्होंने क्या परमागो, उन्होंने कितने बड़ी चीज पर हम लोगों के लिए कितने बहुत बड़ा उन्होंने परमागे। बोले हे प्रभु, आप जिस काम के लिए जगत में आप आए हो, क्यों आए हो महाप्रभु जगत में, महाप्रभु किस लिए आए, बोले अनर्पित चरण चिराग करुणयाव दिल न कलौ समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग स्वभक्ति से हैं। इसलिए जगत में आने का मतलब एक कारण है, जो प्रेम को उन्होंने बड़े दिनों से प्रदान नहीं किया हैं, बड़े दिन दिया तो है लेकिन ब्रह्मा का एक दिन में एक बार उन्होंने दिया, फिर वो प्रेम को देने के लिए वो ब्रजवासियों की प्रेम गोपियों की मंजरियों को भाव को देने के लिए महाप्रभु जगत में वो जगत में आए हैं। जो प्रेम देने के लिए आप जगत में आए हो, एक ही काम करना, ये प्रेम देने के लिए कंजूस नहीं करना, और क्या नहीं करना, ये विचार नहीं करना अरे ये छोटे जाति के, ये बड़े जाति के, इनको क्या देंगे, नहीं, ये प्रेम आप सबको आज चंडाले सबको ये प्रेम देना। इसलिए ब्रह्मानंद ठाकुर कहते हैं बोले चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कुली कबे बाछे लाए रंग, ए मान गौरवी नाना ही यार। इसलिए वो गाते हैं गौरंग महाप्रभु जैसे, श्रीमन महाप्रभु जैसे, और इसको देखे हो हैं, जिस कलयुग में चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कुली, चंडाल ब्राह्मण दोनों आलिंगन दोनों करते हुए क्या कर रहे हैं, हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए देखना कलयुग में इतने विदेशी लोग, देशी विदेशी मुसलमान क्रिश्चियन सब के सब मिल कर क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। इसलिए उन्होंने इसी प्रेम को उन्होंने सबको उन्होंने ये प्रेम प्रदान किया, क्यों, ये अद्वैत आचार्य ने वर मांगा था और महाप्रभु बोले थे ठीक है मैं ये वर प्रदान करता हूँ। इसलिए जो यहाँ पर हम बैठ करके आज उनकी जो कथा सुन रहे हैं किसी कृपा से, अद्वैत आचार्य की कृपा से, केवल इन्हीं की कृपा से ही हम सबके सब अलग अलग जगह से होते हुए भी बैठ करके इनकी कृपा से ही कथा सुन रहे हैं। इसलिए कहते श्री अद्वैत आचार्य हैं, जिस समय श्री अद्वैत आचार्य वो संन्यास लेकर के आ रहे थे, संन्यास लेकर नहीं, जब श्रीमान महाप्रभु संन्यास लेकर के हा कृष्ण बोलते हुए हैं जब आ रहे थे, इतने में क्या हुआ, अद्वैत आचार्य को पता चला महाप्रभु कहाँ जा रहे, जगन्नाथपुरी जा रहे, जगन्नाथपुरी जा रहे। इसलिए इतने में श्री नित्यानंद प्रभु उनको भगा करके ना,
उनको रास्ता घुमा करके ले आया और एक तरफ में बोले प्रभु जी यहाँ पर यमुना अब स्नान करो। महाप्रभु जब स्नान किया है, जब इस महाप्रभु ने स्नान किया, इतने में अद्वैताचार्य आ गया है और नाव लेकर के कपड़े लेकर अद्वैताचार्य। महाप्रभु तो प्रेम में और राधा जी की भाव में डूबे हुए महाप्रभु। हाँ, जैसे राधा रानी कृष्ण प्रेम में दिन रात, उसमें दीवानी है, प्रेम में पागलिनी है, महाप्रभु तो उसी भाव में उनका तो शरीर का कोई हुदहुद है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो अद्वैत आचार्य को तुम ले, तुम कहाँ से आ गए? वो तो यमुना में स्नान कर रहा था। यमुना कहाँ पर? वृंदावन में यमुना। बोले तुम यहाँ कहाँ से आ गया? फिर देखा वो यमुना नहीं, वो शांति उपवास में है। हाँ, इसलिए नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु अब यमुना में ही स्नान किए हो, क्योंकि आप दो भाग है, एक तरफ में गंगा बह रही है और दूसरे तरफ में यमुना बह रही है। आप जिस तरफ में स्नान किए हो वो यमुना नदी है, हैं? और जथाई वैष्णव ने सही स्थान वृंदावन। प्रभु आप तो जहाँ रहते वही वृंदावन धाम है, वही तो वृंदावन धाम। आप वृंदावन में यमुना में ही स्नान किए हो। इतने में अद्वैताचार्य आ गए, फिर उन्होंने नया वस्त्र धारण कराया महाप्रभु को। वस्त्र धारण कराते हुए उन्होंने ले आए कहाँ पर? शांतिपुर ले आए। जब उन्होंने शांतिपुर में ले आए, अभी महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए, सब लोग सुन करके सारे भक्त लोग दुखी और सबके सब चाहते महाप्रभु को दर्शन करना। तब सबके सब गंगा पार करते हुए सबके सब महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जब आए, आते समय नाव में पार करके आ रहे थे, और इतने कभी कभी नाव में लोग बैठे गए, नाव कभी डूब गई। लेकिन जब नाव डूब गई ना, महाप्रभु कृपा वहां पर देखते नहीं, नाव डूब नहीं गई, वहां पर रेती की चरा है। महाप्रभु कृपा से ये गंगा भी कृष्ण महाप्रभु की सेवा की। कोई पैदल में गंगा गई हो? कौन नवद्वीप गए हो? कौन कौन नवद्वीप गए हो? और कौन जाना चाहते हो? वहां पर देखे होंगे कितने नदी, कितने यमुना गंगा में पानी है। लेकिन गंगा में महाप्रभु की सेवा की, कोई अपने आप तैरते हुए और चलते चलते सबके सब गंगा पार होकर कहाँ आ गए? श्री शांतिपुर में आ गए, और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी के घर में आए और सबके सब श्री महाप्रभु का दर्शन किए। इनके घर में सच्ची मैया भी वहीं पर आई। सच्ची मैया इनके घर में बड़े सुंदर सुंदर महाप्रभु को जो पसंद चीज है, माँ जानती है ना मेरे बेटे को कौन सा चीज प्यारा है, इसलिए महाप्रभु को सुंदर सुंदर उन्होंने प्रसाद अद्वैत आचार्य घर में बना करके उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने भोजन कराए और वहीं पर महाप्रभु कुछ दिन तक रहे। और महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य प्रभु घर में, बोले देखो मैया, मैं तुम्हारे पागल बेटा हूँ। पागलपन में मैंने संन्यास ले लिया है, और तुमने कितने कष्ट करके मेरे को अपने लालन पालन किया। अभी तू जो बोलोगे ना, मैं तुम्हारे आदेश को पालन करूंगा। बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए? वो तो साधारण है, माँ तो साधारण है, भगवान की माँ है। बोले ठीक है बेटा, तुमने संन्यास ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत रहा करो, तुम पास में रहा करो, कम से कम मेरे को तेरा खबर मिलते रहे, तू कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, इतना मेरे को खबर चलते रहे। बोले माँ तू जहाँ बोलोगे मैं वहीं रहूंगा, बताओ कहाँ? बोले जगन्नाथपुर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, पास में ही, तुम जगन्नाथपुर में ही निवास करो। देखो जिनकी महाप्रभु को तो यही इच्छा, जगन्नाथपुरी वो विप्रलंब का स्थान है, हैं? और जगन्नाथ जी कौन है? जो राधा भाव में जो विभावित होकर के स्वयं द्रविड़ रूप है, और महाप्रभु तो उसी चीज को ही आस्वादन करने के लिए आए। इसलिए माँ को मुंह से वही बात निकाले, और महाप्रभु कहाँ पर? श्री पुरी में रहे। इसलिए अद्वैत आचार्य के घर में ही महाप्रभु वहीं पर रह करके वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु आए महाप्रभु। और आप लोग जो गए ना शांतिपुर, कौन कौन गए शांतिपुर? वहां पर देखना तीनों बैठे हैं, वहां पर श्री माधवेंद्र पुरी पादरी आए थे, वहीं पर तीनों बैठे। बैठ करके जैसे हम लोग कभी कोई विचार करते हैं ना, अरे बताओ कैसे हम प्रचार कैसे करनी चाहिए, तुम किधर जाओगे, क्या प्रचार करोगे नहीं करोगे, जैसे हम बैठ करके मंत्रणा करते, मीटिंग करते, वहीं पर तीनों प्रभु बैठ कर मीटिंग किया।
बताओ जो प्रेम को देने के लिए महाप्रभु कहाँ से, श्री गोलोक वृंदावन से आए, शोध दीप से आए, अब ये प्रेम को किस रूप में कहाँ कैसे ये प्रेम को प्रचार करे, तीनों बैठे करके वहीं पर उन्होंने विवेचना करके फिर तो महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य फिर वहीं से फिर प्रचार का उन्होंने शुरू करते हैं। इसलिए कहते श्री अद्वैत प्रभु के हैं, कहते इनके बगैर महाप्रभु का कोई काम है ही नहीं। जो कुछ उन्होंने किया श्री अद्वैत आचार्य को ही उन्होंने ले करके उन्होंने सारे काम को उन्होंने किया है। इसलिए इनका एक नाम है गौराना ठाकुर। क्या नाम है? गौराना ठाकुर। मतलब क्या है गौर? मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु को, आना मतलब होता है लाना, ठाकुर मतलब ठाकुर है जो श्रीमन महाप्रभु को ही जगत में जो उन्होंने अवतीर्ण कराया। और आप लोग श्रवण कर रहे थे नियम है, आप जिसको अपना घर में बुलाओ क्या नियम, उनको विदाई भी देनी चाहिए ना, उनको विदाई देनी चाहिए, कपड़ा लता मिठाई देकर विदाई देनी चाहिए। अभी उन्होंने देखा, उन्होंने बुलाया किसको, महाप्रभु को बुलाया, गोलोक वृंदावन से बुलाया, अब इनको विदाई तो देनी चाहिए ना, इसलिए इन्होंने ही विदाई देने के लिए जब महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में थे, पुरी में रहते समय महाप्रभु को पास में एक पत्र लिख करके जगदंड पंडित को द्वारा उन्होंने दिया, बोलिए पत्र को आप महाप्रभु को दे देना। इतने में महाप्रभु भक्तों को बीच में बैठे हुए थे, वो पत्र महाप्रभु हाथ में पकड़वा दिया। लेकिन जब पकड़वा दिया ना, उसमें लिखा हुआ था आउल के कहियो बाउल, माठे ना बिकाए चाउल। इसका मतलब है एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है, वो अब ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा है, इसलिए एक पागल दूसरे पागल को बोल रहे, पागल तो है ही सबके साथ, हम सब तो हम लोग पागल है ना, कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने पागल सब झूठे पागल है, सच्चा पागल कौन है, जो पागल है श्री बाग के सब सबके सब पागल है। इसलिए कहते एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है, क्या है, बोले जो प्रेम को लेकर के आप श्री स्वत दीप से आए थे, ऑलरेडी वो प्रेम सबको दे दिया है, सबको पास में पहुंच गया है अभी। इसलिए अभी अगर आप और जगत में चावल नहीं बिक रहा है, मतलब प्रेम बिक नहीं रहा है, हैं? इसलिए अगर आप जाना चाहते हो, आपको मैंने बुलाया था, अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अब अपना धाम को जा सकते हो। लेकिन महाप्रभु जो ये पत्र को सबको बीच में पढ़े ना, महाप्रभु तो गंभीर हो गए, महाप्रभु गंभीर हो गए पत्र पढ़कर। क्यों? महाप्रभु को जाना अपना धाम नहीं, और जिस काम के लिए महाप्रभु आए थे, इसलिए राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने के लिए, कैसे राधा रानी मेरे प्रेम में कैसे दीवानी बनती है, उनका अंदर में जो दिव्य भावना, चित्र जल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प, ये जो दिव्य दिव्य भाव जो राधा जी के अंदर में प्रकट होता है, और मुझे जितने आनंद मिलता है मेरे भक्ति को पान करते हुए, करोड़ों गुण राधा रानी को आनंद होता है, हैं? वो चीज है क्या चीज, महाप्रभु इसी चीज को आस्वादन करने के लिए पुरी में गए और गंभीर में बैठी करके उन्होंने ये चीज को आस्वादन की। इसलिए महाप्रभु देखा जाने का समय हो गया, उसको बाद में महाप्रभु गंभीर हो गए, भक्त लोग तो कौन सा पत्र था जिसको महाप्रभु देख कर गंभीर हो गए, मेरे महाप्रभु का भाव धीरे 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 राधा जी के भाव से उन्होंने विभावित होकर गई, वो भाव को गंभीर रूप में महाप्रभु आस्वादन किए। और एक दिन महाप्रभु इनकी इच्छा से ही ये संसार से अंतर ध्यान होकर की महाप्रभु एक साथ में कहते श्री जगन्नाथ मंदिर में और तोटा गोपीनाथ में एक साथ में महाप्रभु एक साथ में अंतर ध्यान हुए, मरे नहीं महाप्रभु, क्योंकि अपना धाम साथ में परिकर को साथ में आए और अपना परिकर को साथ में महाप्रभु जगत से चले गए। इसलिए ये जो अद्वैत आचार्य आज जो हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो रहा है, थोड़ी बहुत भजन करने की हम चेष्टा कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है, यही महापुरुष का कृपा है, ये नहीं आते तो महाप्रभु हमें मिलते नहीं। इसलिए हम श्री अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करके है प्रभु, अपने महाप्रभु से प्रार्थना किया था
जो प्रेम को देने के लिए आए आज चंडाले, मतलब कोई विचार नहीं करते हुए सबको ये प्रेम देना। आपने महापुरुष से प्रार्थना किया था, अब महापुरुष ने स्वीकार किया था, मैं सबको ये प्रेम दिया, इसलिए आप कृपा करो वो प्रेम का जैसे छीटा फूटा अगर हमें प्राप्त हो जाए ना, करता हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर बिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। देखो कल से भागवत रखा है, इधर आ जा, वो भी इधर आ जा, हाँ कल खड़े हो जाए। कल रविवार है हमारा, हर रविवार को सत्संग होता है, भागवत कथा आदि चर्चा कल होगा। कल जो है महाराज जी आएंगे, कल भागवत कथा होगा खोड़ा कॉलोनी में, अनिल विहार पंकज स्टेशनरी के सामने, राणा जी का खेत है वहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी, उसमें भागवत कथा 12 बजे कलश यात्रा होगी, यहाँ से हम लोग तो 12 बजे कथा होती थी, 11 बजे कल से वहाँ होगी वो 7 दिन के लिए। और अगले रविवार को भी 9 तारीख है रविवार को, अगले रविवार को भी हम लोग महाराज जी के साथ एक बड़ा प्रोग्राम है, बस भेज रहे हो पहाड़गंज से, फिर सबको लेकर आओ, तो हम लोग बस भी प्रोग्राम है 9 तारीख को। और 15 तारीख को हमारा अनिरुद्ध बहुत सारे भक्तों को और हमारे जो भागवत कथा होगी उसमें हमारे डोरीलाल जी आएंगे, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, आप लोग भी सुनना भागवत कथा की, जो जीवों पे दया करने के लिए अद्वैत आचार्य आए कि हम लोग महाप्रभु के चरणों में रुके, चरणों में हम उनके चरणों को प्राप्त करें, भगवान के चरणों के राधा कृष्ण के चरणों प्रेम प्राप्त हो, उसके लिए कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो सभी लोग आना, बड़े धूमधाम से कीर्तन करेंगे, आप सब लोग 12 बजे मंदिर में आना, तो 11 बजे आना, यहाँ से चलेंगे नहीं तो 12 बजे खोड़ा भी पहुँच सकते हैं। और हमें चौहान माता जी 11 बजे का टाइम दो सब। और आपसे प्रार्थना है टेंट आज लगवा लेना, फिर ना दिक्कत, हाँ पूरा आज ही फिनिश करा लेना, कल कुछ ना हम तो अच्छा है। और 15 तारीख को हमारे अनिलपुर बस लेके जा रहे हैं बरसाना, और माता जी का जन्म स्थान है, आप लोग बरसाना बड़ा आनंद आएगा, बरसाना जो जाना चाहते है वो मंगल आरती के बाद 5 बजे यहाँ से निकलेंगे और उसी दिन वापस आ जाएंगे सैटरडे को 15 तारीख को, 15 फरवरी को बरसाना जाएंगे, वहाँ जगह जगह कीर्तन करेंगे, राधा जी का जन्म स्थान बहुत सुंदर सुंदर, रावल आदि आदि भी जा सकते, बरसाना जाएंगे और फिर उसी दिन लौट आएंगे, और 15 तारीख को प्रभुपाद का तिथि है ना, 17 क्या 12-13 है ना, 12-13 12-13 तारीख को अभी देख के शायद परम गुरु जी की तिथि, प्रभुपाद जी की तिथि यहाँ मनाएंगे 10 से लेके 12। अभी हमने अद्वैत आचार्य की तिथि मनाई, ऐसे ही बहुत दयालु नित्यानंद गुरु है जिनकी कृपा से, जैसे बताया ना अद्वैत आचार्य कृपा से नित्यानंद कृपा मिलती है, नित्यानंद कृपा से महाप्रभु कृपा मिलती है, नित्यानंद बड़े दयालु है, जो लोग हरिनाम नहीं करते होंगे घर घर जाके सबको हरिनाम कराते हैं, तो नित्यानंद की तिथि मनाएंगे, कब मनाएंगे 7 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 12:30 अभी से करेंगे गौर नित्यानंद का 7 फरवरी को, दिन तो बृहस्पतिवार है, शुक्रवार को बहुत उसमें समान है, जो नवदीप जाना चाहते हैं ना और किसी तरह कोई रुकावट है तो क्या अगर नित्यानंद की तिथि मनाओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल पा रही ऑफिस से, कोई अड़चन है पर नित्यानंद का अभिषेक किया तो उनको क्या हुआ, महाप्रभु बड़े दया किए उनको और नित्यानंद को नवदीप धाम बुलाया, तो नित्यानंद बहुत दयालु, उनकी दया की विशेषता महिमा आप लोग सुनेंगे महाराज जी के मुख से। और हमारे गुरु जी ने पत्रिका, जो पत्रिका भागवत पत्रिका आती है, जैसे की उस दिन भी अनाउंसमेंट किया था, अखबार हमारे घर आता है 3-4 रुपए का पड़ता है, और साल में हमारे यहाँ एक हर महीने पत्रिका आती है, पत्रिका की जो फीस है 300 रुपए, 365 दिन होते हैं, 1 रुपया डेली का लगेगा,
परंतु कीमत क्या है उसकी कीमत बहुत अनमोल है। आप लोग घर बैठे बैठे इन कथा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अगर साधु संगत मिले तो पत्रिका में पढ़ सकते हैं। तो कुछ भक्त लोग हमारे हैं वो लोग पत्रिका 5 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया, क्या हो गया वो डेट उनका जो एक्सपायर रजिस्ट्रेशन, तो वो लोगों से प्रार्थना है अभी अनिल से मिल ले और उनका डेट रिन्यू करा ले, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे पुरुष से मिलेंगे। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जरूर पत्रिका को आप लोग हर घर में पत्रिका आएगी ना, सबका मंगल करने वाली है। इसमें नित्य तत्व, महापुरु तत्व, महापुरु की विशेषता, नवदीप की महिमा, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, सब तत्वों की महिमा मिलती है। इसलिए सब लोग 1 रुपया रोज का खर्चा ज्यादा नहीं, 1 रुपया रोज का, पर इसको सब लोग लिए आज थोड़ी से कॉम्प्लीट हुई। अभी क्या करेंगे आरती होगी, इसमें 2 मिनट महामंत्र कर दे मेरे आरती आरती का सभी लोग प्रसाद पा के जाएंगे। लगा लो लगा लो, कितने ऐसे करके लगा लो।